आपके जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजीव भाई जी को, जिनका जीवन पूर्ण रूपेण समाज और राष्ट्र को समर्पित है। उनके हृदय में एक आग है कि समाज और राष्ट्र अपने उस स्वर्णिम युग को प्राप्त हो, भारत पुनः वैभवशाली हो, भारत पूर्ण आजादी को प्राप्त हो, और इस अभियान को वो स्वदेशी के माध्यम से, स्वदेशी विचारधारा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। उनका इतिहास पर एक गहरी पकड़ है। वह एक भारत के वरिष्ठ चिंतक हैं और आज का उनका विषय भी इसी संदर्भ में है। उनका विषय है विदेशी कंपनियों की लूट। आप सब लोग जानते हैं आज से 62 वर्ष पहले जब भारत आजाद हुआ तो एक ब्रिटिश एम्पायर से वहां आजादी प्राप्त हुई थी, और यदि और 150 वर्ष पहले चलें तो जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया था। उस अंग्रेज ने आकर एक फरियाद की थी कि मुझे व्यापार करना है, और उसकी इस मांग पर उस तत्कालीन मुगल शासक ने उन्हें व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने के नाम पर इस देश में इतनी घुसपैठ की कि भारत को 150 वर्ष तक गुलाम बनाए रखा। और आज तो 5000 विदेशी कंपनियां भारत में घुसपैठ कर चुकी हैं। आने वाला भविष्य क्या होगा, किस खतरे में भारत जूझ रहा है? एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 150 वर्ष तक भारत को गुलामी के अंधकार में झोंक दिया था, तो इन 5000 विदेशी कंपनियों के साथ भारत कितने बड़े गर्त में जाने वाला है, शायद इसको लेकर भारत का नेतृत्व मौन है। परंतु भारत स्वाभिमान, भारत के खोए हुए वैभव को, भारत की खोई हुई संस्कृति को वापस लाने में कृत संकल्प है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का यह आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन दिन दुनी और रात चौगनी उन्नति करते हुए आज करोड़ों लोगों की जुबान पर एक ही नाम है कि भारत में कोई बदलाव कर सकता है तो एक ही शख्स कर सकता है, और वह शख्स का नाम है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। एक ही संस्था इस अभियान को बुलंदी तक ही नहीं, निर्णायक मोड़ तक लेके जा सकती है, भारत को पुनः विश्वगुरु के पद पर पहुंचा सकती है, और उस संस्था का नाम है भारत स्वाभिमान। और उस स्वाभिमान के हमारे स्वाभिमानी सेनानी हमारे बीच में हैं। भारत ने राजनीतिक रूप से भी पूर्णतः आजादी प्राप्त नहीं की थी, चाहे वो प्रशासनिक स्तर रहा हो, चाहे वह शिक्षा की बात हो, तो हम अभी आधी अधूरी आजादी में जी रहे हैं। अभी पूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ना बाकी है। और उस लड़ाई में हमारे लिए सबसे बड़ी विरोधी ताकतों का कार्य करेंगी ये विदेशी कंपनियां। ये उन विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हुई मिलेंगी। इस बात का दंश, इस बात को लेकर
पूज्य स्वामी जी के हृदय में एक गहरी पीड़ा है। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की पेप्सी के खिलाफ, कोका कोला के खिलाफ, पेय पदार्थों के खिलाफ। भारत के लोगों ने उसको समझा और आज इन विदेशी पेय पदार्थों कंपनियों के 60% तक की सेल डाउन आ चुकी है। वो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अर्थात भारत का व्यक्ति जानता है, समझ सकता है, परंतु कोई समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आज पूज्य स्वामी जी के हृदय के भावों को, उनकी पीड़ाओं को आदरणीय राजीव भाई इस मंच से स्वर देने वाले हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय राजीव भाई, मातरम मातरम। भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता मित्रों, आज मुझे आपके सामने एक विषय प्रस्तुत करना है और वो विषय है भारत में विदेशी कंपनियों की लूट। ये विषय अपने भारत स्वाभिमान के जो नीतियां हैं, उद्देश्य हैं, उनका सबसे प्रमुख विषय है। आप अगले 5 दिन लगातार परम पूजनीय स्वामी जी का जब बार बार प्रवचन सुनेंगे, सुबह के सत्र में या दोपहर के सत्र में, तो स्वामी जी आपको एक संकल्प करा के भेजेंगे। वो संकल्प अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उस संकल्प में 3 बातें हैं। पहला संकल्प है कि प्रतिदिन मैं, माने आप, हम सब 1 घंटे योग और प्राणायाम करेंगे। ये पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में खुद प्राणायाम करेंगे, 1 घंटे योग करेंगे, और दूसरों को भी 1 घंटे कम से कम योग और प्राणायाम कराएंगे। तो ये पहले संकल्प का दूसरा हिस्सा है। दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में यम नियम का पूरी तरह से पालन करेंगे। और तीसरा और आखिरी संकल्प है कि अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का पूर्ण आग्रह रखेंगे, शून्य तकनीकी के क्षेत्र में। शून्य तकनीकी आप सब समझते हैं, जिस काम को करने में, जिस वस्तु को बनाने में बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब शून्य तकनीकी। तो हम अपने जीवन में शून्य तकनीकी से बनी हुई वस्तुओं को स्वदेशी कंपनियों की ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। ये तीसरा और आखिरी संकल्प आपको कराया जाएगा। तो आप सोचिए कि ये हमारे संकल्प का हिस्सा है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें अपने जीवन में और दूसरों को भी उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। तो आखिर ये एक जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की अपने जीवन में और दूसरों को उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की उनके जीवन में। ये विषय हम ठीक से समझें और हम दूसरों को समझा सकें, उस दृष्टि से मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। जो बातें आपको मेरी लगें बहुत काम की हैं, उपयोग की हैं, उनको तुरंत आप लिख लें, क्योंकि बार बार ऐसे व्याख्यान नहीं हो पाते हैं। तो आप जरूर लिख लेंगे, कभी भी आप कॉपी खोल के देखेंगे तो याद आ जाएगा, और किसी से बात करेंगे तो आप वो सब सूचनाओं को, जानकारियों को दूसरे को प्रेषित कर सकेंगे। तो इस दृष्टि से आपकी कॉपी पेन तैयार रहें, खुले रहें। भारत देश में आजादी के 62 साल के बाद हमें भारत स्वाभिमान की तरफ से या परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को स्वदेशी आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई है, यहां से मैं बात शुरू करता हूं। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको भारत के इतिहास में ये बात पता चलेगी कि सन 1905 में इस देश में हमारे देश के एक बड़े महान क्रांतिकारी श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी इस देश में श्री लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत देश के एक महान क्रांतिकारी श्री विपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था।
और इतिहास में आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल, ये तीन नेताओं का तिकड़ी था। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने विपिन चंद्र पाल, सॉरी बाल माने श्री बाल गंगाधर तिलक और पाल माने श्री विपिन चंद्र पाल। ये तीन बड़े क्रांतिवीर नेता थे जिन्होंने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और उस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली सभा हुई थी पुणे में, महाराष्ट्र का पुणे नाम का शहर है। ये जो महाराष्ट्र से आए हुए कार्यकर्ता हैं, अगर पुणे के होंगे तो पुणे में एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, उसका नाम है शनिवार वाड़ा। पुणे शहर के मध्य में एक बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ा स्थान है शनिवार वाड़ा। वहां पर सन 1905 के दिसंबर महीने में 7 तारीख को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और पूरे पुणे शहर से लोगों ने घर से अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े निकालकर वहां लाके जला दिए थे अपनी इच्छा से। और वो आयोजन किया था श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुणे में ही रहते थे, उनका निवास स्थान पुणे में था। महाराष्ट्र के और पश्चिम भारत के उस समय के सबसे बड़े नेता थे। और जिस समय ये हुआ था उस समय महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, ये घटना है सन 1905 की। महात्मा गांधी भारत में आए सन 1915 में, तो गांधी जी के आने के 10 साल पहले इस देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत कैसे हुई? पुणे के शनिवारवाड़ा में 7 दिसंबर 1905 को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और उसमें आग लगाई श्री बाल गंगाधर तिलक ने, वहां से यह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद भारत के हर बड़े शहर में अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाना लोगों ने शुरू कर दिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1905 से यह आंदोलन शुरू हुआ एक शहर के एक मोहल्ले से, और 1911 तक आते आते 6 वर्ष में यह स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण भारत देश के एक एक शहर में फैल गया। एक एक शहर में, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, बेंगलोर में, मद्रास में, आगरा में, अलीगढ़ में, मेरठ में, सहारनपुर में, दिल्ली में, ऐसे भारत के लगभग 600 बड़े स्थानों पर यह पूरे तेजी से आंदोलन फैल गया। और आपको यह सुनकर भी हैरानी होगी कि श्रीमान लोक बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता, लाला लाजपत राय दूसरे बड़े नेता और विपिन चंद्र पाल तीसरे बड़े नेता। विपिन चंद्र पाल बंगाल के बड़े नेता थे उस समय, लाला लाजपत राय उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा इसके लिए बड़े नेता थे, और लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र और पूरे पश्चिम भारत के। तीन नेताओं के कहने से आंदोलन शुरू हुआ और 6 साल में इस आंदोलन के 1,24,00,000 कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हो गए, मात्र 6 साल। आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार करना है और अंग्रेजी कपड़े किसी के शरीर पर हो तो उतार कर जला देना है, किसी के घर में है तो निकाल कर जला देना है, हर तरह से अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करना है। और अंग्रेजी कपड़ों के अलावा अंग्रेजों की बनाई गई हर वस्तु का बहिष्कार करना है। उस जमाने में हमारे देश में ज्यादातर चीजें जो थी ना वो इंग्लैंड से आती थी बनके। कपड़ा इंग्लैंड से आता था, चीनी इंग्लैंड से आती थी, चीनी माने शक्कर जिसको आज हम शुगर अंग्रेजी में कहते, ये इंग्लैंड से आती थी। तो हिंदुस्तान के स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी कपड़े का जैसे बहिष्कार किया वैसे अंग्रेजी चीनी का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया, आप सोच सकते। तो आप बोलेंगे फिर क्या किया? अंग्रेजों की बनाई गई चीनी खरीदना तो बंद कर दिया और भारत के गांव गांव के किसानों ने उसके विकल्प में गुड़ बनाना शुरू कर दिया और गुड़ खाकर अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी चीनी नहीं खाएंगे, अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे। अंग्रेजों के देश में से उस जमाने में ब्लेड आता था भारत में, दाढ़ी बनाने वाला, तो भारत के लोगों ने अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और भारत के नाइयों ने भी अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह भारत में उस्तरा बना लिया उन्होंने। उस्तरा आप जानते हैं जिसको ऐसे ऐसे करके तेज करते हैं, तो उस तरह से दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी ब्लेड का पूरी तरह से बहिष्कार।
एक भी नाई की दुकान पर सन 1905 में कोई जाता था दाढ़ी बनाने के लिए तो उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती थी, ब्लेड बंद कर दिया इस्तेमाल करना। इसी तरह से अंग्रेजों के देश से बनकर एक चीज आती थी जिसको नील कहते हैं। नील की खेती भारत में होती थी, उसका कच्चा माल यहां से इंग्लैंड जाता था और फिर नील बन के आता था जो कपड़े में हम लगाते हैं, सफेद कपड़े में। तो भारत के करोड़ों लोगों ने अंग्रेजों का नील कपड़े में लगाना बंद कर दिया। इसी तरह से अंग्रेजों के देश में से 60-70 तरह की चीजें आती थी, उन सब चीजों का एक एक करके भारत के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, खरीदना बंद कर दिया। और अंग्रेजों की ये चीजें जिन दुकानों पर बिकती थी वहां पर लोग जाकर सत्याग्रह करते थे। जैसे अंग्रेजी वस्तु बेचने की दुकानें होती है ना, आज भी हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में विदेशी माल बेचने की दुकान होती है ना, उसमें लिखा रहता है विदेशी माल, ऐसे ही अंग्रेजों के जमाने में होता था, अंग्रेजी माल की दुकानें होती थी। वहां पर ये लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के जो कार्यकर्ता होते थे स्वदेशी आंदोलन के, वो जाके सत्याग्रह करते थे। और जो व्यक्ति दुकान में घुसता था कोई भी सामान खरीदने के लिए, उससे वो सामान छीन लेते थे और वहीं आग लगा देते थे उसको। कभी कभी झगड़ा हो जाता था क्योंकि सामान खरीदने के लिए जो आदमी जा रहा है वो गुस्सा होता था कि हमने तो पैसा खर्च कर दिया और तुमने हमारा सामान छीन के जला दिया। तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसका पैसा उसको दे देते थे, कहते थे तुम जाओ और इस पैसे से कोई स्वदेशी माल खरीद के इस्तेमाल करो, विदेशी माल मत खरीदो। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त होता था कि अगर किसी ने विदेशी माल के खरीदे जाने के बाद उसका छीन लिया, जला दिया, गुस्सा किया, तो कार्यकर्ता अपनी जेब से निकाल के उसको पैसा दे देते थे कि देखो तुम्हारे सामान का पैसा हमने दे दिया, तो माल खरीद के जला देते थे। कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि जबरदस्ती कुछ ऐसे लोग होते थे जो अंग्रेजी मानसिकता के, जैसे आज होते हैं ना अंग्रेजी मानसिकता के बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमको तो विदेशी माल ही चाहिए, हमको तो विदेशी वस्तु ही चाहिए क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे उस जमाने में भी थे कि हमको तो विदेशी माल ही खरीदना है। तो ऐसे लोग जब दुकानों में घुसते थे जबरदस्ती कि हमको तो विदेशी माल खरीदना है, तो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता सड़क पर उनके सामने लेट जाते थे, जमीन पे, दुकान का दरवाजा होता है ना उसमें जमीन पर लेट जाते थे और कहते थे हमारी छाती पे पैर रखो तब अंदर जाओ। तो डर के मारे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते थे। और ऐसे भी स्वदेशी आंदोलन में कार्यकर्ता हुए हैं। एक बड़े महान कार्यकर्ता जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के थे, उनका नाम था बाबू गेनू। मराठी व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के थे, मुंबई में रहते थे। उन्होंने एक टोली बना रखी थी और वो टोली क्या करती थी, पूरे मुंबई शहर में घूम घूम के वो टोली ये पता करती थी कि विदेशी माल की कौन कौन सी गाड़ियां कहां कहां आ रही हैं, कहां कहां गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में कुछ गाड़ियां चलने लगी थी, उनमें विदेशी माल भर भर के आता था बाहर से। तो बाबू गेनू और उनके सहयोगी कार्यकर्ता घूमते थे मुंबई में, रात को चौकीदारी करते हुए घूमते थे और पता करते थे कि कहां विदेशी माल की गाड़ी आई। और जहां उनको पता चला कि विदेशी माल की गाड़ी आई, बस वहीं गए और गाड़ी में आग लगाई, जला दिया उसको। ऐसा उनका काम था। एक बार तो क्या हुआ कि बाबू गेनू और अपने सहयोगी उनके कार्यकर्ताओं के साथ, मुंबई में आप जानते हैं ना बंदरगाह है जहां पे पानी के जहाज आते हैं, तो विदेशों से माल उतरता है और विदेशों में माल भी जाता है। तो इंग्लैंड से विदेशी माल का लदा हुआ एक बड़ा पानी का जहाज आया जिसमें हजारों टन माल लदा हुआ था। बाबू गेनू और उनके सहयोगियों को पता चल गया कि ये तो विदेशी माल आ रहा है। वो पहुंच गए बंदरगाह पे और पूरे बंदरगाह को घेर लिया उन्होंने, और उन्होंने संकल्प ले लिया और कसम खा ली कि इस एक भी विदेशी माल को हम यहां उतरने नहीं देंगे और बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। तो क्या हुआ, आप जानते हैं पानी के जहाज से माल उतारा जाता है, फिर ट्रकों में लादा जाता है, फिर वो गाड़ियों में लदता है, फिर उसके बाद वो गाड़ियां गांव-गांव चली जाती हैं माल बांटने के लिए। तो ऐसा ही हो गया। तो बाबू गेनू ने क्या किया कि एक गाड़ी ऐसी ही विदेशी माल की भरी हुई जाने की तैयारी में थी, बाबू गेनू उसके आगे लेट गए और अंग्रेज उसको चला रहा था। तो अंग्रेज ने कुछ नहीं देखा
और बाबू गेनू के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे ऐसे संकल्पवान कार्यकर्ता पैदा किए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विदेशी माल को शहर में जाने से रोकने के लिए गाड़ी के नीचे लेट गए और एक अंग्रेज ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी और बाबू गेनू का स्वर्गवास हो गया, शहादत उनकी हो गई। ऐसे संकल्पवान स्वदेशी कार्यकर्ता पैदा हुए थे और इनकी संख्या कितनी थी, 1,24,00,000 के आसपास पूरे देश में ये कार्यकर्ता थे। आखिर ये सारे के सारे कार्यकर्ता विदेशी माल नहीं बिकने देंगे और विदेशी माल का उपयोग नहीं होने देंगे ये संकल्प लेके क्यों काम कर रहे थे? कारण ऐसा था कि उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का माल पूरे भारत में बिकता था और उस माल की बिक्री से हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश में अपना माल बेचकर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से बात करो, 1905 के आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में 70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती थी इस देश में से, और उस जमाने का एक रुपया 2009 के 300 रुपए के बराबर है। इस समय 1905 में एक रुपए की जितनी कीमत होती थी, आज सन 2009 में उतनी ही कीमत 300 रुपए की है। इसका मतलब क्या है? रुपए का अवमूल्यन 1905 से आज तक 300 गुना हो चुका है। तो 300 का गुणा कर लो 70 करोड़ में, लगभग 21,000 करोड़ रुपए आज के मूल्य के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कमाती थी, उनका सामान बेचकर यहां से पैसा कमाती थी। तो समस्या क्या होती थी? हर साल भारत का 21,000 करोड़ रुपए लंदन चला जाता था। और यह सिलसिला कब से चल रहा था? जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब से। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1618 में भारत आ गई थी। अपने जयदीप भाई थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे, एक राजा था इस देश में, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले एक एजेंट आया था, उसका नाम था थॉमस रो। उसको अंग्रेज लोग थॉमस रो भी कहते हैं, थॉमस रो भी कुछ लोग बोलते हैं, थॉमस रो भी बोलते हैं। तो थॉमस रो सबसे पहले आया 1618 में और उसने जहांगीर के सामने एक पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए, वो आप दे दो। तो ये जो पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कहा हमको ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए, माने ट्रेड करने के लिए लाइसेंस चाहिए। जहांगीर को ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। जहांगीर को उर्दू आती थी, फारसी आती थी, हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया तो जहांगीर ने अपने एक दरबारी से वो पत्र पढ़वाया कि पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस दरबारी ने आधा सच आधा झूठ बताया क्योंकि वो दरबारी अंग्रेजों से मिला हुआ था। थॉमस रो ने उसको पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था कि इस पत्र का अगर भाषांतर पूछेगा जहांगीर तो क्या बताना है। तो क्या बताया उसने? उसने कहा कि यह पत्र है, ईस्ट इंडिया नाम की इंग्लैंड की कंपनी का है, ये आपसे व्यापार करने का लाइसेंस मांग रहे हैं। तो जहांगीर ने पूछा व्यापार क्या करोगे भाई, कुछ खरीदोगे कुछ बेचोगे तभी तो व्यापार होता है ना। लेकिन इंग्लैंड में व्यापार का मतलब कुछ और होता था उस जमाने में। अंग्रेजों की जो डिक्शनरी है ना, मूल डिक्शनरी, उसको कहते हैं वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी अगर आपको मिल जाए 17वीं शताब्दी की तो आप जरूर उसमें ढूंढ सकते हैं, उसमें व्यापार का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी का शब्द है TRADE, ट्रेड। हम ट्रेड का मतलब निकालते हैं व्यापार, इंग्लैंड में ट्रेड का अर्थ होता था लूटमार, और सारा झमेला यहीं से शुरू हो गया। उसमें लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करेगी, तो जहांगीर के दरबारी ने समझाया कि ये व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे। तो जहांगीर को लगा इसमें आपत्ति क्या है,
हमारे यहां से कुछ खरीद के ले जाएंगे और हमको कुछ बेचेंगे, इसमें आपत्ति क्या है? जहांगीर को उस दरबारी ने यह नहीं बताया कि ट्रेड का असली मतलब होता है लूटमार, लूट लेना किसी को। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में ट्रेड शब्द का अर्थ इस्तेमाल होता था लूटमार के लिए। तो जब पत्र प्रस्तुत हुआ जहांगीर के सामने तो जहांगीर ने कहा ठीक है व्यापार ही तो करेंगे, दरबारी ने कहा कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, वास्तव में उनकी मंशा क्या थी? लूटमार का लाइसेंस लेने के लिए। तो जहांगीर ने हां कर दिया। जहांगीर अगर यह कर लेता कि वो पत्र किसी दूसरे को पढ़वा लेता तो खुलासा हो जाता। उसने सोच लिया कि यह अपना ही आदमी है, सही बताएगा। उसने तुरंत सही कर दिए, दस्तखत कर दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लूटमार करने का लाइसेंस मिल गया। और जिंदगी भर ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में रही वो उसी लाइसेंस को दिखाते थे कि देखो आपके राजा ने हमको लूटमार करने का लाइसेंस दिया है, आपके राजा ने, भारत के राजा ने हमको लाइसेंस दिया है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछा गया कि भाई आप कहां से व्यापार शुरू करेंगे या लूटमार शुरू करेंगे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा सूरत शहर से करेंगे। सूरत ही क्यों? भारत में तो ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे, आगरा था, अलीगढ़ था, बरेली था, दिल्ली था, शाहजहांपुर था, सहारनपुर था, रुड़की था, हरिद्वार था, ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे, सूरत ही क्यों? कारण यह था कि उस जमाने में सूरत भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला शहर था। आज मैं आपसे यह पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर कौन सा, तो क्या कहेंगे आप? मुंबई कहेंगे ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भारत में मुंबई है। सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स जहां इकट्ठा होता वो मुंबई है। 1618 में मुंबई जैसा शहर होता था सूरत। सूरत में सबसे ज्यादा पैसा था उस जमाने, बहुत पैसा था। सूरत में रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा था उसके बारे में एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था बर्नियर। वो सूरत में घूमा और 17 साल रहा, तो उसने वर्णन लिखा सूरत के बारे में। तो वो कहता है कि मैं सूरत के किसी भी घर में गया तो हर एक घर में मैंने सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता है। हर एक घर में सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे घरों में गेहूं और चने का ढेर होता है। और बर्नियर अपनी डायरी में लिखता है कि सूरत के लोग इतने मालदार हैं, इतने पैसे वाले हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने बहुत लोगों के घरों में पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर एक ने मुझे जवाब दिया मालूम नहीं कितने सोने के सिक्के हैं क्योंकि गिने नहीं है। और फिर वो बर्नियर कहता है यहां के लोग तो बोलते हैं कि ये सोने के सिक्कों को तराजू में तौल के रखते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, गिनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास, इतने सोने के सिक्के घर घर में हैं। फिर वो अपनी डायरी में लिखता है कि अगर सूरत शहर को ही लूटना पड़े तो इसी एक शहर को लूटने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे, इतनी संपत्ति इस शहर में है। सूरत बहुत पैसे वाला शहर था। आप पूछेंगे भाई सूरत में पैसा कहां से आया, इतने सोने के सिक्के कहां से आए? सोने का सिक्का, इस देश में सोना पैदा नहीं होता, आपको मालूम है इस देश में सोने का उत्पादन ज्यादा नहीं होता। सोने की एक ही खदान है इस देश में, वो भी कर्नाटक में है, कोलार में एक ही खदान है, बाकी तो दूसरी है ही नहीं पूरे देश में। तो जिस देश में सोने की एक ही खदान हो वहां लोगों के घर घर में सोने का ढेर लगा हो, ये कहां से आया? सूरत उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जैसे आज मुंबई है ना व्यापार का केंद्र, वैसे सूरत था। भारत का सारा माल विदेशों में बिकने के लिए सूरत से ही जाता था क्योंकि सूरत में बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। तो भर भर के पानी के जहाज भारत का माल सूरत से बाहर जाता था विदेशों में।
और हमारा माल दुनिया के जिस देश में भी जाता था बिकने के लिए, वहां हम अपना माल बेचते थे और बदले में सोना आता था हमारे देश में। कारण क्या था? 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में व्यापार में जो माध्यम था ना एक्सचेंज का, वो सोना था। जैसे आज व्यापार में माध्यम है रुपया, आप कोई चीज खरीदते हैं रुपए से, कोई चीज बेचते हैं रुपए में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कोई चीज खरीदी जाती थी सोने में और कोई चीज बेची जाती थी सोने में। तो भारत से तरह तरह की चीजें बिकने के लिए जाती थी, उसमें सबसे ज्यादा बिकने के लिए जाता था कपड़ा भारत का, क्योंकि भारत में कपड़ा सबसे अच्छी क्वालिटी का बनता था 17वीं शताब्दी में। आपको मालूम है भारत के कपड़े की कहानी, यहां पे ढाका की मलमल बनती थी। मलमल नाम सुना? मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है। ढाका एक शहर था इस देश में जो बांग्लादेश का अभी हिस्सा हो गया, पहले वो भारत में था। तो ढाका की मलमल बनती थी और 15 मीटर लंबा मलमल के कपड़े का थान तह करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता था, इतनी बारीक बुनाई होती थी मलमल की। ढाका में मलमल बनती थी, सूरत में मलमल बनती थी, मालवा में मलमल बनती थी। आप में से कुछ कार्यकर्ता आए हैं मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में एक इलाका जिसको मालवा कहते हैं, इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, तो मालवा में जबरदस्त किस्म का कपड़ा बनता था। भारत में ऐसे 350 से ज्यादा बड़े शहर थे जहां कपड़ा बनाने के बड़े बड़े केंद्र चलते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था। दुनिया में कोई इतना अच्छा कपड़ा बना नहीं पाता था जो भारत में बनता था। आप पूछेंगे भारत के कपड़े में ऐसी क्या खासियत थी? कपड़े में खासियत यह थी कि भारत में कपास बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था। कपड़ा बनता है कपास से, कपास हिंदुस्तान में सभी राज्यों में होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक भी राज्य ऐसा नहीं भारत में जहां कपास नहीं होता। तो अच्छी क्वालिटी का कपास पैदा होगा तो अच्छा कपड़ा बनेगा, तो बहुत अच्छा कपड़ा भारत में बनता था और वो कपड़ा दुनिया के सब देशों में बिकने के लिए जाता था। उसको बेचने के लिए पानी के जहाज लगते थे, उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, तो सारे पानी के जहाज सूरत से कपड़ा भरकर विदेशों में जाया करते थे और उधर से सोना लेके आया करते थे। आपको इतिहास की यह जानकारी दूं तो आपको गर्व होगा, भारत का कपड़ा जब पेरिस में बिकता था, लंदन में बिकता था, न्यूयॉर्क में बिकता था, वॉशिंगटन में बिकता था, अमेरिका के, कनाडा के, आसपास के यूरोप के देशों में बिकता था, तो तराजू में रखा जाता था भारत का कपड़ा। तो जितने वजन का भारत का कपड़ा होता था उतने ही वजन का सोना हमें मिलता था। अगर मान लीजिए हमने एक कपड़े का थान बेचा और वो एक किलो का है तो एक किलो सोना हमें मिलता था। हमारे कपड़े की इतनी जबरदस्त क्वालिटी थी, सारी दुनिया के लोग हमारा कपड़ा पहनते थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, रोमन साम्राज्य में 3000 साल जितने राजा हुए, जितनी रानियां हुई, सब भारत का कपड़ा पहनकर ही जिंदा रहते थे 3000 साल रोमन साम्राज्य में। और जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, यूरोप और अमेरिका और ये कनाडा जैसे देश उभर आए, तो फिर इनके यहां भारत का कपड़ा बिकने लगा। तो हमारा कपड़ा बहुत जबरदस्त बिकता था, उसके बदले में हमको सोना मिलता था। कपड़े जैसी ही एक दूसरी चीज अपनी बहुत बिकती थी दुनिया के देशों में, और वो थी भारत का लोहा, स्टील। हमारे भारत में कच्चे लोहे की बड़ी खदानें हैं, आप जानते हैं कच्चा लोहा इस देश में बहुत होता है, उड़ीसा में भरपूर मात्रा में है, झारखंड में भरपूर मात्रा में है, कर्नाटक में भरपूर मात्रा में है, महाराष्ट्र में भरपूर मात्रा में है, भारत के 12 राज्यों में कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो लोहे की खदानें बहुत हैं, हजारों साल से कच्चा लोहा निकल रहा है, और जिस देश में कच्चा लोहा निकलेगा वहीं पर स्टील बन सकता है। स्टील बनाने के लिए कच्चा लोहा चाहिए, तो भारत में कच्चा लोहा होता था, हम उसका स्टील बनाते थे। और 17वीं शताब्दी में 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी जो स्टील बनाती थी इस देश में, और इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे इस देश में जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। आज 21वीं शताब्दी में सारी हाईफाई टेक्नोलॉजी के बाद जो स्टील बनता है उसमें जंग लग जाता है। आपको मालूम है भारत के स्टील में जंग नहीं लगता था, और अगर आप उसका प्रमाण देखना चाहें
तो दिल्ली के पास मेहरौली नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, उसमें जंग का एक निशान नहीं है और सैकड़ों साल से वो पानी में, बारिश में, धूल में, आंधी में, धक्कड़ में खड़ा हुआ है, एक रंच मात्र उस पर कहीं जंग नहीं आया। इस क्वालिटी का स्टील इस देश में 3000 साल से बनता था और वो स्टील हम दूसरों को बेचते थे। और आपको सुन के हैरानी होगी, स्टील बेचकर भी हम सोना ही कमाते थे, लोहा बेचकर हम सोना कमाते थे, लोहा बेचा और सोना लाया हमने, कपड़ा बेचा और सोना लाया। इसी तरह से भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। ईंट समझते हैं, घर बनाने वाली सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं, शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। मोटी ईंट जल्दी टूटती है, पतली ईंट टूटती नहीं है जल्दी, तो वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहां चूना बनता था, चूना, और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते थे। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता था, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था। भारत से मसाले जाते थे बिकने के लिए, वो तो आप सभी ने पढ़ा होगा, 36 तरह के मसाले जाते थे, काली मिर्च जाती थी, अजवाइन बिकने के लिए जाती थी, इलायची बिकती थी, बड़ी इलायची बिकती थी, छोटी इलायची बिकती थी, तेजपात बिकता था, हमारे देश के 36 तरह के मसाले दुनिया भर में बिकते थे और उसके बदले में भी हमको सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते थे। और 3000 साल भारत ये सारी चीजें दुनिया के देशों को बेचता था, और जिस शहर से ये चीजें बिकने के लिए जाती थी उस शहर का नाम था सूरत। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां आता था? सूरत में। इसलिए सूरत के एक एक घर के व्यापारी के पास ढेरों ढेरों सैकड़ों सैकड़ों कुंटल सोना होता था। यह अंग्रेजों ने दस्तावेजों में लिखा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो सूरत इतना पैसे वाला शहर था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से कहा कि हमको सूरत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। अब आप ध्यान देना, जहां भी मैं बोलूंगा व्यापार, वहां आप सोच लेना लूट मार, क्योंकि उनके लिए ट्रेड का मतलब था लूट मार, हमारे लिए ट्रेड का मतलब था व्यापार। तो उन्होंने लूट मार का लाइसेंस ले लिया, जहांगीर भोला भोला सीधा साधा उसने लाइसेंस दे दिया। सूरत में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धंधा शुरू किया, और क्या धंधा शुरू किया? लूट मार करने का। और वो लूटमार कैसे करते थे? जिस व्यापारी के घर में उनको पता चल जाए अच्छा खासा सोना है, बस उसी के घर में धावा बोलना, जैसे डकैती डालते हैं लोग, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग डकैती डाला करते थे। सैनिकों की फौज खड़ी की, एक एक घर में घुस गए, मारपीट किया, छीन छान के सोना ले आए, और वो सोना फिर यहां से जहाजों पर लाद लाद कर इंग्लैंड भेजा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1750 में भारत आया था और 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था प्लासी का। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने भारत के कलकत्ता नाम के शहर से जब लूट मार की तो इतना सोना चांदी इकट्ठा हुआ था, उसको लंदन लाने में 900 पानी के जहाज लगे। 900 पानी के जहाज, एक दो नहीं, 900 ships। और जहाज बोल रहा हूं मैं, नाव नहीं बोल रहा हूं, जहाज। नाव और जहाज में अंतर होता है। एक जहाज उस जमाने में जो होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था, और एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते। तो 900 पानी के जहाज भर के सोना चांदी लूटा था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो
तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज अधिकारी जब आते थे तो वो ढूंढते थे कि भारत के किस शहर में ज्यादा सोना है, वहीं पे जाके पोस्टिंग करवाते थे और वहीं से लूटमार का धंधा शुरू करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मुख्य काम था लूटमार, घरों में घिसकर लूट लेना, दुकानों में जाकर लूट लेना, किसी के महल में जाकर लूट लेना, छोटे छोटे राजाओं को लूट लेना, ये सब वो किया करते थे। लूट लूट कर यहां से पैसे इकट्ठे किया करते थे। और वो क्या क्या लूटते थे, हमारे देश का जो सोना चांदी था वो तो लूटते ही थे, इसके अलावा कपड़ा बनाने वाले जो कारीगर होते थे ना, उनका कपड़ा लूट लेते थे और कारीगर उनसे झगड़ा करें तो मारते थे, उनको गोली मारते थे, उनकी गर्दन काटते थे, हाथ काट देते थे, हाथ अंगूठे काट देते थे। तो कारीगरों से कपड़ा लूट लिया, व्यापारियों के घर में से सोने चांदी के सिक्के लूट लिए, फिर किसी के पास से कुछ लूट लिया किसी के, और जो कुछ लूटते थे वो फोकट में मिला ना उनको, तो उसको ले जाके वो बेचते थे लंदन में, पेरिस में, दूसरे शहरों के बड़े बड़े बाजारों में, और उससे जो मुनाफा होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट माना जाता था। आपको सुन के ताज्जुब होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनके खजाने में पैसे नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में दिवालिया कंपनी थी। दिवालिया आप समझते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, ठन ठन गोपाल, एक ढेला नहीं खजाने में। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी कुछ ऐसे लुटेरों ने जो समुद्र के पानी के जहाजों को लूटने का काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी। इंग्लैंड के कुछ लुटेरे थे जिनको कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो बड़े बड़े डॉन माफिया किस्म के लोग थे उस जमाने के, उन्होंने बनाई थी वो कंपनी। पैसे पास में थे नहीं, उसको ले आए वो भारत में और सीधे लूटमार करना शुरू कर दिया, तो पैसे आ गए। उस पैसे से फिर सारा खेल खेलना उन्होंने शुरू किया। पहले पैसे लूटे, फिर उस पैसे से उन्होंने सैनिक रखना शुरू किया, फिर सेना बढ़ गई तो और ज्यादा लूटमार करना शुरू किया। जहां जहां उनकी लूटमार होती थी, स्थानीय राजाओं के साथ उनका संघर्ष होता था, युद्ध होता था, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती थी, कभी कोई राजा जीत जाता था। जो राजा जीत जाता था वहां ईस्ट इंडिया कंपनी लूटमार नहीं कर पाती थी, और जहां का राजा हार गया बस पूरी जगह को वो लूटते थे। एक उदाहरण से बताता हूं, पंजाब हमारा एक बड़ा राज्य था उस जमाने में, 17वीं शताब्दी। पंजाब के एक राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह, नाम सुना आपने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में 10 बार लूटमार करने का प्रयास किया, हर बार महाराजा रणजीत सिंह की सेनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, हर बार। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब की तरफ गई, महाराजा रणजीत सिंह के सैनिक इतने शूरवीर और ताकतवर थे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। जब भी वो गए लूटमार कर, कभी जलंधर में, कभी कपूरथला में, कभी अमृतसर में, कभी लाहौर में। उस समय लाहौर जो था ना वो पंजाब का ही हिस्सा था, ये तो बंटवारे में पाकिस्तान चला गया। तो भारत के पंजाब राज्य में जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा, महाराजा रणजीत सिंह ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया और हर बार अंग्रेजों को हरा के वहां से वापस भेजा। तो पंजाब को नहीं लूट पाते थे वो जल्दी। ऐसे ही हमारे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में झांसी है ना, झांसी, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। उसके राज्य में जब भी अंग्रेजों ने कदम रखा लूट पार करने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जबरदस्त संघर्ष किया उनके साथ और जल्दी अंग्रेज कामयाब नहीं हो पाए। आपको मालूम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में जब जब अंग्रेज लूटने के लिए गए, हर बार अंग्रेज पराजित होकर लौटे। एक बार झांसी की रानी के विश्वास पात्रों के गद्दारी से झांसी की रानी गिरफ्तार हुई और मारी गई, उसके पहले कभी लूट नहीं पाए अंग्रेज झांसी को। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक जबरदस्त रानी हुआ करती थी कित्तूर चेन्नम्मा। बेलगाम है, कर्नाटक वाले यहां कुछ आए हैं, कर्नाटक में बेलगाम है, बेलगाम के पास एक छोटा सा गांव है कित्तूर, वहां उसका जन्म हुआ इसलिए नाम पड़ गया कित्तूर चेन्नम्मा। दक्षिण भारत में गांव का नाम अपने नाम के साथ लिखने की परंपरा है। दक्षिण के जो नाम होते हैं ना, आपने सुना है एच डी देवेगौड़ा, तो एच माने हरदन हल्ली, हरदन हल्ली उसके गांव का नाम है देवेगौड़ा का।
गांव का नाम पहले लिखते हैं, अपना नाम बाद। तो कित्तूर चनम्मा, कित्तूर गांव का नाम, कित्तूर चनम्मा के राज्य में जब जब अंग्रेज गए लूटने के लिए, कभी कामयाब नहीं हो पाए, हर बार अंग्रेजों को हराया उसने। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक बड़ा प्रतापी राजा था हैदर अली। हैदर अली के राज्य में जब जब अंग्रेज गए लूटमार करने के लिए, कभी कामयाब नहीं हुए, हर बार हैदर अली ने हरा के भेजा उनको। तो भारत में कई शूरवीर राजा थे जो अंग्रेजों से टक्कर लेते थे, संघर्ष करते थे और उनको हराते थे, लेकिन कुछ कमजोर राजा भी थे जहां अंग्रेज कामयाब हो जाते थे। एक राज्य था हमारे यहां जयपुर, वहां का राजा बहुत ही कमजोर था, बहुत कमजोर था, इतना कमजोर था कि अंग्रेज एक चिट्ठी लिख के भेजें जयपुर के राजा को कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तो वो राजा चुपचाप अंग्रेजों के घर दे के आता था। कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं दूंगा, वो कहता था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा नहीं दूंगा तो अंग्रेज चढ़ाई कर देंगे, मेरा पूरा महल लूट के ले जाएंगे और उसमें तो बहुत चला जाएगा, तो अपने घर से ही ले जाके 1 करोड़ दे के आता था। अब अंग्रेज एक बार 1 करोड़ मांगते थे तो अगली बार कहते थे 10 करोड़ दे दो, तो फिर वो राजा जाता था 10 करोड़ दे के आता था। तो ऐसे कमजोर राजा भी थे इस देश में जयपुर के, मैंने तो नाम लेके कह दिया, ऐसे कई कमजोर राजा थे, वो चुपचाप दे के आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो धंधा चला इस देश में वो इस तरह से चला, लूट मार करके इस देश में से पैसा उन्होंने बनाना शुरू किया। जिस कंपनी के पास एक ढेला नहीं था उनके खजाने में, वो जब भारत आ गए और 10-15 साल उनका ये धंधा चल पड़ा लूटमार का, करोड़ों स्टर्लिंग पाउंड उनके खजाने में जमा हो गए। फिर जब बहुत पैसा उनको मिल गया तो खून लग गया मुंह में, वो कहते हैं ना शेर के मुंह खून लग गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खून लग गया और उनको लगा कि भारत में तो बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लूट मार तो करनी ही पड़ेगी और पैसा यहां से लेके लंदन जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक फैसला किया, फैसला क्या किया कि इस देश में अब खाली लूटमार नहीं करेंगे, इस देश में हम अपनी सरकार भी चलाएंगे। एक तो है व्यापारी आया, एक तो डकैत आया लूटमार करके ले गया, लेकिन एक डकैत आया जिसने आपके घर पे ही कब्जा कर लिया। सोचो आप, कोई डकैत आपके घर में घुस गया, जो भी था थोड़ा बहुत संपत्ति है लूट के ले गया, ये एक घटना है, लेकिन कोई डकैत आपके घर में घुस गया और आपको मार के घर के बाहर निकाल दिया और घर पे कब्जा करके वो मालिक बन के बैठ गया, ऐसा ही हमारे देश में हुआ। हमारे देश में पता है क्या हुआ, जिस जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था लूटमार करने का, उसी जहांगीर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुर्सी से उतरवा दिया, उसी जहांगीर, ऐसा हुआ। जो जो राजा के यहां ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहुंचे लूटमार करने, हर राजा को उन्होंने कोई ना कोई षड्यंत्र करके कुर्सी से उतरवा दिया और वहां अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होती चली गई। ऐसे करके धीरे धीरे भारत का आधे से ज्यादा राज्य उन्होंने कब्जे में ले लिया। 1618 में वो एक शहर में आए थे सूरत में, और 1718 तक आते आते 100 साल में हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा राज्य पर उनका कब्जा हो गया। और पहले कब्जा हुआ कमजोर राज्यों पर, मैंने आपको बताया ना जयपुर का ऐसे राजा, ऐसे भारत में 200 से ज्यादा कमजोर राजा थे। और उनकी कमजोरियां क्या थी, सब शराब में डूबे हुए, नशों में डूबे हुए, गंदे गंदे काम करने में डूबे हुए, वैश्यावृत्ति में डूबे हुए, रखेलों में डूबे हुए, हरम में डूबे हुए। एक शब्द होता है ना हरामी, ये कहां से आया, उर्दू का शब्द है, फारसी से आया हरम। हरम का मतलब होता है एक ऐसा महल जहां बहुत सारी स्त्रियां रहती हों और राजा उन स्त्रियों के साथ विलास करता हो, उसको हरम कहते हैं। अब उस हरम में से जहां बहुत सारी स्त्रियां राजाओं के साथ रहती थी तो उनमें कुछ बच्चे पैदा हो जाते थे, उनको हरामी कहा जाता था। यह हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहा, हरामी शब्द है ना, वो हरम में से आया। तो ऐसे बहुत राजा थे जिन्होंने हरम रखे हुए थे, 50-50 महिलाएं, 100-100 महिलाएं, 150-150 महिलाएं, चरित्रहीन राजा एकदम से, निकृष्ट किस्म के राजा एकदम से, जिनको अपने शरीर सुख के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था, ऐसे राजा बहुत कमजोर होते थे। आप जानते हैं जो विलासी होता है और वासना में डूबा हुआ होता है, वो सब चीजों में डूबा हुआ होता है। तो ऐसे राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी पहले लड़ाई करती थी,
और उस लड़ाई में एक बार में ही राजा हार जाते थे और राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। ऐसे करके पूरे भारत में उन्होंने कब्जा जमाया और धीरे धीरे वो कब्जा 150 साल में सारे भारत पे हो गया। 1618 से 1750 तक आते आते जगह जगह लूटमार करते करते पूरे भारत पे कब्जा हो गया। भारत का एक बड़ा राज्य था उस जमाने में बंगाल। बंगाल जो राज्य था ना वो कितना बड़ा था आपको बताता हूं। आज का पूरा बिहार, आज का पूरा झारखंड, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा आसाम और आसाम के ऊपर के सारे प्रदेश, ये मिला के था पूरा बंगाल। इतना बड़ा राज्य था। वहां का राजा था सिराजुद्दौला, बड़ा प्रतापी था, बहुत शूरवीर था, चरित्रवान था, चरित्र का बहुत ऊंचा था, मेहनत करने में बहुत परिपक्व था, शूरवीरता में बहुत ऊंचा था, न्यायप्रिय था, प्रजावत्सल था, सारे सद्गुण उसमें थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी घुस नहीं पाई बंगाल में क्योंकि राजा मजबूत था। जब जब ईस्ट इंडिया कंपनी घुसी बंगाल में, मार के भगा दिया उसने सिराजुद्दौला। फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो गद्दार निकल गया। सिराजुद्दौला तो देशभक्त था, प्रतापी था, शूरवीर था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को घुसने नहीं देता था। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो गद्दार निकल गया। आपने कहानी पढ़ी होगी। मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया और मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके अंदर की सब बातें बता दी और उन अंदर की बातों की जानकारी लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया सिराजुद्दौला के राज्य पर। अब हमला हुआ तो सिराजुद्दौला की फौज युद्ध के लिए तैयार हुई। सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 350 सैनिक थे। अब आपसे कोई ये पूछे कि 18,000 सैनिक एक तरफ, 350 सैनिक एक तरफ, कौन जीतेगा? 18,000 सैनिक जीतेंगे, लेकिन युद्ध जीता 350 सैनिक वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कैसे जीता? ये 350 सैनिकों को लेके अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए प्लासी के मैदान में पहुंचा। प्लासी एक छोटी सी जगह है, कलकत्ता के नजदीक है। अगर बंगाल के कुछ कार्यकर्ता होंगे तो वहां जाके देख सकते हैं। उस प्लासी में युद्ध की तैयारी हुई। 24 जून 1857 की डेट तय हो गई, सॉरी 1757, 24 जून 1757, 23 जून और 24 जून, दो डेट तय हुई युद्ध के लिए। 350 सैनिक इनके, 18,000 सैनिक उनके। तो रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि युद्ध तो मैं हार जाऊंगा, 20 मिनट में ये सब मारामारी हो जाएगी, 300 सैनिकों को मारना कितनी देर का काम। तो उसने कहा युद्ध तो नहीं कर सकता, तो उसने मीर जाफर को फोड़ा जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, और उसको कहा कि देखो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुमको मैं दूंगा और तुम मेरी मदद करो, हम सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और तुमको फिर राजा बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफर बंगाल का राजा बनने के लालच में फंस गया और पैसे के लालच में फंस गया, पैसे का लालच और कुर्सी का लालच, उसने मीर जाफर को तोड़वा दिया। तो मीर जाफर ने क्या किया, अपने जो 18,000 सैनिक थे उनका आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने करवा दिया उसने। और सिराजुद्दौला से गलती क्या हो गई, सिराजुद्दौला युद्ध में खुद नहीं गया। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को मालूम था कि युद्ध तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं जाके क्या करूंगा, मेरे सैनिक ही मार डालेंगे अंग्रेजों को। वो इस गलतफहमी में रह गया। तो सिराजुद्दौला था मुर्शिदाबाद में, क्योंकि उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो बाद में बनी है, पहले मुर्शिदाबाद थी। तो वो मुर्शिदाबाद में बैठा रह गया, सैनिकों को भेज दिया युद्ध करने के लिए। उसको मालूम नहीं था कि मीर जाफर पहले ही टूट चुका है, मीर जाफर ने आत्मसमर्पण करा दिया। तो प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, भारत के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण किया मीर जाफर की गद्दारी में, और वहां से इतिहास पूरे देश का बदल गया। इतिहास क्या बदल गया, अंग्रेजों ने घोषित कर दिया हमने युद्ध जीत लिया। फिर अंग्रेजों ने 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और 350 अंग्रेजों के सैनिक, 18,000 ये सैनिक, इनको लेकर पूरी फौज बना के रॉबर्ट क्लाइव गया मुर्शिदाबाद। कलकत्ता से, प्लासी से चल के मुर्शिदाबाद।
तो कलकत्ता से माने प्लासी से मुर्शिदाबाद के बीच की दूरी बहुत बड़ी है, 15 दिन लगा उसको घोड़े पे चलने में। तो उसने अपनी डायरी में लिखा है रॉबर्ट क्लाइव ने कि मैं घोड़े पर आगे आगे बैठता था, मेरे पीछे मेरे 350 सैनिक बैठते थे, पीछे भारत के गुलाम बनाए हुए 18,000 सैनिक चलते थे और भारत के लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारे जुलूस को देखते थे और उस पर तालियां बजाते थे। अगर भारत के लोगों ने हमको पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मारा होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होता। हमारी कमजोरी क्या रही? विदेशी है बहुत अच्छा है, विदेशी है बहुत अच्छा है, आज भी है ना। कैसे मूर्ख हम हिंदुस्तानी हैं। कभी कभी मैं आगरा चला जाता हूं, ताजमहल के आसपास कोई विदेशी आ जाए तो सारे हिंदुस्तानी उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे भगवान का दूत उतर आया कोई, होता है कि नहीं। दिल्ली में कोई विदेशी घूमने आ जाए, मुंबई में कोई आ जाए, हम उसको ऐसे आसपास घेर लेते हैं जैसे वो देवदूत है। ये हमारी गुलामी की मानसिकता 1757 से भी पुरानी है, इसी ने हमको गुलाम बनाया। उस समय क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, गोरा गोरा है, लाल लाल गाल दिखाई देते हैं, उसके पीछे 300 सैनिक 350 सैनिक वो भी गोरे गोरे हैं, अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, तो हम तो उनको देखते ही तालियां बजाते रह गए। अगर पत्थर उठा के मारा होता तो मर जाते वो सबके सब वहीं, और देश कभी गुलाम नहीं होता ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये विदेशी गोरे रंग के प्रति जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम सब हिंदुस्तानियों के खून में घुस गया है गोरा रंग, गोरा होना। मुझे इतना तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है। रविवार का अखबार जब मैं पढ़ता हूं ना तो उसमें एक कॉलम निकलता है, वैवाहिक कॉलम, मैट्रिमोनियल, तो हरेक को उसमें लिखा रहता है गोरी वधू चाहिए, गोरी बहू चाहिए, गोरी पत्नी चाहिए। अब सबको गोरी चाहिए तो काली कहां जाएंगी, मुझे समझ में नहीं आता ये गोरे रंग के प्रति इतना आकर्षण हम में क्यों आ गया। गोरा एक रंग ही है ना, काला भी एक रंग है। अब देखो ये हिंदुस्तान कैसा बावला और पागल हुआ है। हमारे भगवान श्री राम सांवले हैं कि नहीं, भगवान विष्णु सांवले हैं कि नहीं, भगवान शंकर सांवले हैं कि नहीं, सारे भगवान देवी देवता सांवले या काले, और भक्त सब अपने को गोरा होने के लिए परेशान है, और उस गोरे होने के चक्कर में क्या क्या क्रीम पाउडर लिपस्टिक पोतते रहते हैं, फेयर एंड लवली और क्या क्या, ये सारा तमाशा गोरेपन के प्रति हमारे दिमाग में जो खतरनाक स्तर तक घुसा हुआ है आकर्षण, इसी ने हमको गुलाम बनाया। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर हमारे रंग को आकर्षित महसूस करते थे, अगर उन्होंने ही पत्थर उठा उठा के मारा होता तो मैं तो वहीं मर गया होता, और भारत में तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं हुआ होता। लेकिन वहां हमारी गलती हो गई, हम आकर्षण में फंस गए और अंग्रेजों के चक्कर में गुलाम हो गए। बंगाल अंग्रेजों की गुलामी में चला गया, और बंगाल जितना बड़ा राज्य जब अंग्रेजों की गुलामी में आ गया, मैंने कहा, तो फिर धीरे धीरे मद्रास उनकी गुलामी में आ गया, फिर मुंबई गुलामी में आ गया, फिर पूरा भारत गुलामी में आ गया। अब जब गुलामी आ गई तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लूट मार के। मैंने बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे ही प्लासी का युद्ध जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, फिर थोड़े दिन के लिए मीर कासिम को बंगाल का राजा बना दिया, फिर मीर कासिम की हत्या करा दी, फिर मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया, फिर मीर जाफर जब राजा बना तब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी गद्दारी करेगा। तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने खुद मीर जाफर के पेट में छुरा भोंक दिया और मार डाला उसको। गद्दारों का यही अंजाम होता है। अब मीर जाफर तो मर गया, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में पूरे देश को हमेशा के लिए गुलाम बना गया, कुर्सी के लालच में, पैसे के लालच में वो तो मर गया, लेकिन देश गुलाम हो गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव राजा बन गया, बंगाल का राजा बन गया, तो लूटना शुरू किया और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बताया ना, उसने अकेले कलकत्ता शहर से 900 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे, और जब लूट के लंदन ले गया तो लंदन की पार्लियामेंट में उससे बात की गई, जिरह की गई, बहस की गई कि तुम भारत से क्या लाए हो।
कहने लगा सोने चांदी के जहाज भर के लाया हूं। कितने लाए हो? तो 900 जहाज लाया हूं। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हैरान हो गया, कहने लगा इतना? उसने कहा हां इतना। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पूछा ये कहां से लाए हो? पूरे भारत से। उसने कहा पूरे भारत से नहीं, भारत के एक शहर कलकत्ता से। पूरे भारत में तो पता नहीं कितना सोना चांदी है। तो फिर उससे पूछा गया ये कितना है, पैसे कितने हैं, माने कितना है पैसे में ये सारा सामान? तो उसने कहा 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। ये उसने रकम बताई थी, इसको लिख लो आप, 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। लूट का जो धन ले गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुन्ना माणिक मोती जो भर भर के 900 जहाज ले गया था, उसकी रकम उसने बताई 1,000 मिलियन। मिलियन समझते हैं? 10 लाख। 1,000 × 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड। और एक स्टर्लिंग पाउंड इस समय है लगभग 80 रुपए का, और 1757 के स्टर्लिंग पाउंड की आज तक की कीमत 300 गुनी कम हुई है। तो 1000 लिखो, 1000, फिर उसमें 10 लाख का गुणा करो, फिर उसमें 300 का गुणा करो, फिर 80 का गुणा करो, इतनी रकम लूटकर अकेला एक रॉबर्ट क्लाइव ले गया है। मैं बताता हूं फिर से, 1000 लिखो, फिर 10 लाख का गुणा करो उसमें, 1000 × 10 लाख, फिर गुणा 300 और गुणा 80, तो आज के हिसाब से रकम निकलेगी। लाखों करोड़ों रुपए में निकलेगी, निकाल लेना इसको आप, मैंने आंकड़ा बता दिया। आप लोगों को यह समझाना जब आप गांव गांव जाओ कि विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है, क्यों? क्योंकि एक विदेशी कंपनी आई ईस्ट इंडिया, उसका एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो इतना धन लूट कर ले गया इस देश में से, तो विदेशी कंपनियों को रहना खतरनाक होता है देश में। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला एक अधिकारी नहीं था, ऐसे हिंदुस्तान में 84 अधिकारी आए। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने लूटा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, फिर कर्जन आया, उसने लूटा, फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा, फिर डिकिन्स आया, उसने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा, फिर कॉर्नवॉलिस आया, उसने लूटा, ऐसे एक नहीं 84 अधिकारी आए और लूट लूट के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले गए यहां से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो देश के एक एक घर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल की लूट में सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया। गरीबी पूरे देश में फैल गई। हम हिंदुस्तान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया, दुनिया के बहुत सारे देशों को भगवान ने गरीब पैदा किया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत गरीब हैं भगवान के कारण, क्योंकि उनके देश में कोई संपत्ति नहीं है प्राकृतिक। प्राकृतिक संपत्ति आप समझते हैं सोना चांदी कोयला हीरे जवाहरात, जिन देशों में बिल्कुल नहीं है वो भगवान के द्वारा गरीब पैदा किए गए हैं। भारत में तो हजारों किस्म की संपत्ति है, हम गरीब भगवान ने नहीं बनाए। हमारी गरीबी तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की लूट में से आई है, ये ध्यान रखना है हमको। इतना लूटा, और फिर दूसरे तरीके से लूटा कि जो कारीगर कपड़ा बनाते थे उनसे कपड़ा लूट लिया, और उनके साथ समझौते किए कपड़ा बनाने वाले कारीगरों से कि वो जितना भी कपड़ा बनाएंगे सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में देना पड़ेगा, और जो कारीगर ये कपड़ा नहीं देता था मुफ्त में उसके अंगूठे काट लिए जाते थे, उसका हाथ काटा जाता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया कि भारत के किसान जो भी अनाज पैदा करते हैं उसका 90% अंग्रेजों को देना पड़ेगा। अगर कोई किसान 100 कुंटल अनाज पैदा करता है तो 90 कुंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा, और किसानों को लूटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। फिर हमारे जो व्यापारी थे ना, व्यापारियों को लूटना शुरू किया अंग्रेजों ने। कैसे लूटना? व्यापारियों पे टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। कोई भी व्यापारी माल बनाएगा उत्पादन करेगा तो उस पर अंग्रेजों ने 350% टैक्स लगा दिया। जैसे 100 रुपए का कपड़ा मैं पैदा करूं उस पर 350 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, फिर उस कपड़े को बेचूं तो बेचने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, फिर बेचकर मुनाफा कमाऊं तो मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स। ऐसे बीसियों किस्म के टैक्स लगा दिए और व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया।
तो कारीगरों को लूटा, व्यापारियों को लूटा, किसानों को लूटा, और लूटने आर्थिक रूप से और दूसरे काम बहुत किए अंग्रेजों ने। दूसरे काम क्या किए, जहां जहां अंग्रेज जाते थे लूटमार करने के लिए किसी भी गांव और किसी भी शहर में, वहां अगर उनको हमारे देश की माताएं बहनें जो सुंदर हैं शरीर में दिखाई दे जाएं, तो अंग्रेज उनको छोड़ते नहीं थे बिना बलात्कार किए। धन तो लूटा ही हमारा, हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी उन्होंने, और मां बहन बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे कि वो पढ़ते समय मुझे खून खौलता है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ अंग्रेजों का बर्ताव कैसा होता था, कोई सुंदर महिला अंग्रेजों को दिखाई दे जाए उसको सरेआम नंगा करते थे, फिर उस महिला के स्तन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे, और तब तक दबाते थे जब तक खून ना निकल आए, और इस पर अंग्रेज हंसते थे और वो मां बहन बेटी चीखती और चिल्लाती थी। जब वो बेढल हो जाती थी, गिर पड़ती थी, तब अंग्रेज उसके साथ बलात्कार करते थे और सामूहिक बलात्कार करते थे, और बाद में उसकी गर्दन काट देते थे और उसको फेंक के चले जाते थे। ये अंग्रेज किया करते, खाली लूटमार नहीं करते थे, माताओं बहन बेटियों के साथ व्यभिचार किया करते। और एक खतरनाक काम अंग्रेज किया करते थे इस देश में कि जिस इलाके में गए लूटमार करने के लिए वहां के लोगों का धर्म बदलवा दो, मारो पीटो उनको और ईसाई बना दो उनको। जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, भारतीय धर्मों का पालन करते हैं, मार पीट के ईसाई बनाते थे, जो नहीं बनता था उसके नाखून खींच लेते थे, ऐसे अत्याचार किया करते थे, पैर के नाखून खींचते थे, उंगलियों के नाखून खींचते। और कई बार क्या होता था, कई कई गांव में इकट्ठे लोग हो जाते थे संघर्ष करने के लिए, तो बर्फ की सिल्लियों पर लोगों को नंगा लिटाकर ऊपर से बैंत की मार मारते थे अंग्रेज, ऐसे अत्याचार कर। और कई तरह के अत्याचार वो ऐसे किया करते थे, किसानों से टैक्स लेना वो तो एक अलग बात है, किसानों से जमीनें छीन लेना। कल मैं सुना रहा था ना, डलहौजी नाम का एक अंग्रेज था, उसने एक कानून ही बना दिया जमीन छीनने का, जिस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन। एक एक गांव के 25,000 किसानों से एक एक दिन में जमीनें छीनते थे। तो जमीनें छीनने का अत्याचार, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार का अत्याचार, पैसे की लूटमार का अत्याचार, धर्म परिवर्तन का अत्याचार, ऐसे सब तरह के अत्याचार अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे थे। तब उनके खिलाफ भारत में विद्रोह हुआ था और तब भारत के लोगों ने बगावत की थी। पहला विद्रोह तो हुआ 1857 में, आप सभी जानते हैं, नाना साहब पेशवा ने बिठूर जैसे छोटे से स्थान पर संगठन बनाकर भारत को आजाद करने का संकल्प कराया, और 1857 की क्रांति की कहानी आप सब जानते हैं। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी, मेजर ह्यूसन को, ढेर हो गया। उसके बाद कुछ अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 8 दिन बाद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया। तो मंगल पांडे के जो सहयोगी थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी, संकल्प उठा लिया, हाथ में गंगाजली उठाई और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को अत्याचार करके मारा है, हम इन अब अंग्रेजों को मारेंगे। तो पहली बार भारत के लोगों में जोश आया, पहली बार भारत के लोगों में बलवती हुई भावना प्रतिकार करने की, प्रतिशोध करने। और आपको मालूम है कि मंगल पांडे के 1100 सहयोगी थे, सबने नौकरी छोड़ दी, 5-5, 6-6 का समूह बना लिया, एक एक गांव, 2-2 गांव, 3-3 गांव घूमना शुरू किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में फैल गए, गांव गांव अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाना शुरू किया। तो लोगों का खून उबलने लगा और संगठन बनने लगा, और वो संगठन एक दिन इतना ताकतवर हुआ कि नाना साहब पेशवा जैसे एक व्यक्ति का शुरू किया हुआ संगठन बहुत जल्दी 7,32,000 क्रांतिवीरों का संगठन बन गया, और थोड़े ही दिन के बाद 4 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो गए। फिर यह तय हुआ कि एक साथ अंग्रेजों को पूरे देश से मार के भगा देना है एक साथ, तो उसकी तारीख तय हुई 31 मई 1857। पूरे देश में अंग्रेजों के साथ विद्रोह होगा, बगावत होगी, और हर जगह जो अंग्रेज मिलेगा उसको मार डाला जाएगा। यह 4.5 करोड़ भारतवासियों ने संकल्प ले लिया, 4.25 करोड़ सॉरी। और उसमें से गलती क्या हो गई, गलती यह हो गई कि 31 मई 1857 की तारीख तय हुई एक साथ पूरे देश में बगावत करने की, लेकिन यहां मेरठ में कुछ क्रांतिकारियों ने 20 दिन पहले ही उस बगावत को शुरू कर दिया, 10 मई 1857।
गड़बड़ ये हो गई। माने अति उत्साह जो है ना बहुत खतरनाक होता है। जब तय हुआ कि पूरे देश में 31 मई को एक साथ विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो मेरठ में 10 मई को करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरठ में कुछ जाट समूह के लोग थे जिन्होंने पूरा आओ न देखा ताओ अंग्रेजों पर चढ़ बैठे और 10 मई शाम को 5 बजे पूरे मेरठ शहर के हर अंग्रेज के घर में उन्होंने आग लगा दी। अंग्रेज घर के साथ जलकर मर गए और पूरा मेरठ डेढ़ दिन में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। जो अंग्रेज घरों में से निकलकर भागे ना, उनको जाट समूह की महिलाओं ने हसीये से काट डाला, गर्दन काट दी। आप जानते हैं जब अत्याचार बहुत होता है ना तो आदमी फिर होशो हवास खो देता है। वैसे भारत के लोग अहिंसावादी हैं, चींटी को भी नहीं मारते, मक्खी को भी नहीं मारते, कहते हैं चींटी मारेंगे तो पाप लगेगा। हम कितने अहिंसावादी हैं, अपने घर में सवेरे सवेरे झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू के नीचे भी चींटी आके ना मर जाए इसके हिसाब से झाड़ू बनाते हैं। वो आपने देखा भारत की जो झाड़ू होती है आगे से खुली हुई होती है, पीछे से एकदम बंद होती है। वो खुला हुआ इसलिए रखते हैं कि चींटी आए तो बीच में से निकल जाए, मरे नहीं। इतने अहिंसावादी हैं, सवेरे झाड़ू लगाएंगे तो चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। लेकिन जब अपने पे आ गए और होशो हवास खो दिया और गुस्सा और प्रतिशोध की भावना इतनी बढ़ गई तो मेरठ की महिलाओं ने अंग्रेजों के गर्दन काट दिए हसीये से। तो ये इस बात को बताता है कि किसी भी समाज की, किसी भी समूह की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी भी। अंग्रेजों ने वही गलती की, हमारी परीक्षा ली, अत्याचार किए और हद से ज्यादा जब वो अत्याचार ऊपर गुजर गए तो काट दिया। डेढ़ दिन में पूरा मेरठ अंग्रेजों से आजाद हो गया। फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली 5 दिन में आजाद हो गई। दिल्ली में 13,000 से ज्यादा अंग्रेजों को मार डाला हिंदुस्तानियों ने 5 दिन। दिल्ली आप कभी गए हैं? दरियागंज, दरियागंज दिल्ली वाले बैठे होंगे, दरियागंज में एक पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस लाल खून का केंद्र बन गया था उस जमाने। ये दिल्ली के दरियागंज का पोस्ट ऑफिस है ना, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का कत्लेआम इसी एक जगह पर हुआ था। कारण क्या था कि जहां आज पोस्ट ऑफिस है वहां चर्च हुआ करता था, तो ज्यादा अंग्रेज वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। तो दिल्ली वासियों ने एक दिन रविवार का दिन जहां प्रार्थना करने के लिए आएंगे वो तय कर लिया और इकट्ठे हो गए सबके सब। चर्च में जैसे ही घुसे तो ये चर्च में घुसे और मारकाट ऐसी मचाई कोई जिंदा नहीं बचा। दिल्ली के इतिहास को जब मैं पढ़ता हूं, छोटी छोटी गलियां हैं ना दरियागंज में, लाल खून से नालियां भर गई थी। 5 दिन इतना कत्लेआम हुआ था दिल्ली। फिर दिल्ली के बाद बरेली में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, यहां रुड़की में हुआ, जहां जहां अंग्रेजों की छावनियां थी सब जगह उनका पूरे हिंदुस्तान में नरसंहार शुरू हुआ। 3 महीने में अंग्रेज खत्म हो गए। 3,65,000 अंग्रेज 3 महीने में मारे गए इस देश में। 1857 की क्रांति में इतना जबरदस्त तूफान, अंग्रेज मारे गए तो अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उतर गया, यूनियन जैक हटा दिया गया, भारत का झंडा हर जगह लहराने लगा, भारत के स्थानीय राजाओं ने सत्ता संभालना शुरू कर दिया। 10 मई 1857 से शुरू हुई क्रांति, 1 सितंबर 1857 को जब गणना की गई पूरे देश में तो 3-4 ही अंग्रेज जिंदा बचे थे, सब मारे गए। 3,65,000 जो बचे वो भाग गए लंदन, और जो भागे ना वो कैसे भागे, उन्होंने अपने शरीर को कोयला लगा लगा के काला किया, उसमें बच गए वो। हाँ, काला अगर नहीं किया होता शरीर तो वो भी मारे जाते, क्योंकि हिंदुस्तानी उस समय इतने खून के प्यासे थे जो गोरी चमड़ी वाला मिले उसी की गर्दन काट। वो एक ऐसा दौर इस देश में पैदा हुआ था कि जहां गोरी चमड़ी वाला मिले बस उसी को नाप। तो अंग्रेजों ने शरीर पे कोयला मला, कालिख मली, एकदम काले होके छुप छुप के दिल्ली से और कहां कहां से निकल गए, लंदन पहुंच गए। वहां कहानी सुनाई उन्होंने कि भारत में तो ऐसा हो गया है, तो लंदन परेशान हो गया, अंग्रेजों की सरकार परेशान हो गई कि भारतवासियों में इतना गुस्सा कैसे पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि उसके ये कारण रहे, तो अब भारत पर फिर कब्जा करना चाहिए,
फिर जाना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति तो अभी हम लूट नहीं पाए, अभी तो 100 साल ही लूटा है और 100 साल लूटना है। तो अंग्रेजों ने योजना बनाई और उस योजना में यह तय किया गया कि भारत में एक जमाने में मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो ढूंढो कौन कौन मीर जाफर अभी भारत में बचा हुआ है। तो अंग्रेजों ने यहां के राजाओं के बीच में एक सर्वेक्षण करवाया और यह पता लगाया कि कौन कौन राजा अंग्रेजों की मदद कर सकता है। तो भारत में कई राजा ऐसे निकले गद्दार, जिनका नाम लेके टेस्ट खराब नहीं करना चाहता मैं आपको, 20 खानदान ऐसे निकले जिन्होंने बहुत गद्दारी की है, कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, कुछ आंध्र प्रदेश के, कुछ कर्नाटक के। इन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी और राजाओं ने चिट्ठियों में लिखा कि आप वापस आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको सैनिक देंगे, आपको पैसा देंगे, सारी मदद करेंगे, और जहां क्रांतिकारियों का गढ़ है वो हम आपको बताएंगे, और आप क्रांतिकारियों को मारो और फिर से भारत पे कब्जा करो। तो 1 नवंबर 1857 से फिर अंग्रेज वापस आने लगे और एक एक करके उन्होंने क्रांतिकारियों के जो अड्डे थे उनको नाश करना शुरू किया। कल मैंने बिठूर की कहानी आपको सुनाई थी, बिठूर का नाश किया, फिर कानपुर का, फिर लखनऊ का, फिर इलाहाबाद का, और गद्दार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके सैनिक और पैसा देके क्रांतिकारियों को मरवाने का काम किया। उनमें कई क्रांतिकारी हमारे मारे गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई आप सभी जानते हैं, नाना फडणवीस मारे गए आप सभी जानते हैं, नाना साहब पेशवा तो काफी दिन बचे रहे लेकिन अंत में उनको भी मार डाला, तांत्या टोपे भी बचे रहे लेकिन अंत में अंग्रेजों ने उनको भी ढूंढकर मार डाला। तो एक एक करके सारे क्रांतिकारी खत्म हो गए, अंग्रेजों का फिर कब्जा हो गया और ये देश फिर से गुलाम हो गया। उस गुलामी के बाद फिर क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे इकट्ठे होते होते 1905 आ गया, और 1905 में जब क्रांतिकारी इकट्ठे हुए तो लड़ाई का तरीका बदल गया। पहले लड़ाई अंग्रेजों से सीधे सीधे हुई, आर पार की, अंग्रेजों ने बंदूक चलाई तो हमने भी बंदूक चलाई, अंग्रेजों ने तलवार चलाई हमने भी उनके सिर काटे। 1857 में लड़ाई ऐसे हुई, 1905 में लड़ाई का तरीका बदल गया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अंग्रेजों को तलवारों से हरा नहीं सकते, बंदूकों से मार नहीं सकते, क्योंकि हम मारेंगे और आएंगे और मारेंगे और आएंगे और ये अंतहीन सिलसिला है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि इन अंग्रेजों की जड़ खोदो, इनकी जड़ में मट्ठा डालो। कहते हैं ना एक पेड़ काटो तो ऊपर के पत्ते तोड़ दो, टहनी काट दो, फिर उगाएगा, फिर उगाएगा, फिर उगाएगा, लेकिन जड़ में ही मट्ठा डाल दो तो पेड़ पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो अंग्रेजों की जड़ कहां थी? अंग्रेजों की जड़ थी उनका व्यापार। व्यापार क्या था? इंग्लैंड से माल लाते थे, भारत में बेचते थे, वो मुनाफा उनको मिलता था, ये उनका सबसे बड़ा आधार था। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल ने कहा कि अगर इनका ये आधार हम तोड़ देंगे तो अंग्रेज हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इसलिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इसलिए इस देश के लोगों ने गली गली, गांव गांव, घर घर विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल का स्वीकार, ये मंत्र गुंजायमान किया और ये आंदोलन इतना जबरदस्त निकला। मैंने बताया ना आपको 1905 में शुरू हुआ, 1911 तक आते आते हिंदुस्तान में अंग्रेजी माल बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का कपड़ा बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों की चीनी बिकना बंद हो गई, अंग्रेजों का ब्लेड बिकना बंद हो गया, अंग्रेजों का नील बिकना बंद हो गया, उनका सारा माल बिकना बंद हो गया। तो वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद फिर भारत के नेताओं से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। एक बार भारत के नेताओं को झांसा दिया, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे लेकिन आप बहिष्कार मत करवाइए। तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने कहा आप पर भरोसा नहीं, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं। लाला लाजपत राय कहा करते थे कि दुनिया में किसी भी जाति पर भरोसा किया जा सकता है, अंग्रेज जाति पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। तो इन क्रांतिकारियों ने आंदोलन आगे बढ़ाया, आगे चलाया, अंग्रेजों में कमजोरी आती गई, मुनाफा मिलना बंद हो गया और जहां जहां अंग्रेज टैक्स लगाते थे लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। अंग्रेज टैक्स लगाते थे ना, लोग कहते थे टैक्स भरेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो, तो अंग्रेज क्या करते थे, जेलों में डाल देते थे। तो लोग कहते थे चलो हम जेल में रहेंगे। तो शुरू में तो क्या हुआ कि कुछ लोग जेल में गए, बाद में जेल भर गई, रहने को जगह नहीं मिली, तो अंग्रेज भी परेशान हो गए कि अब कहां लाएं इनको। दिल्ली की जेल थी सेंट्रल जेल, उसमें ज्यादा से ज्यादा उस जमाने में
10 से 11 हजार कैदी रह सकते थे और दिल्ली में 60,000 से व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेजों को, देंगे ही नहीं, तुमको जेल में डालना डाल दो। उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों का डर निकल गया था जेल जाने से, भारत के लोग डरना बंद कर दिए, जेल जाएंगे चले जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे अंग्रेजों, जेल जाना पड़ेगा जाएंगे, उनका सामान नहीं खरीदेंगे। किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया, जो लगान लगता था ना 90%, वो बंद कर दिया। व्यापारियों ने टैक्स देना बंद कर दिया और व्यापारियों ने अंग्रेजों का माल बेचना बंद कर दिया, ग्राहकों ने खरीदना बंद कर दिया, तो सब तरफ से मार पड़ी कि नहीं अंग्रेजों पर। और उसी समय क्या हुआ, उसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो अंग्रेजों को और मार पड़ी। उस विश्व युद्ध में उनका बहुत खर्चा हुआ, इधर से आमदनी कम हो गई, उधर युद्ध का खर्चा बढ़ गया, तो इंग्लैंड कर्जदार देश हो गया, तो फिर धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती गई। फिर हिंदुस्तान में क्या हुआ, लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई क्योंकि उनको बीमारी हो गई। उस जमाने में लोकमान्य तिलक गांव गांव जाके भाषण दिया करते थे, तो भाषण देने के लिए माइक नहीं होता था, अकेला गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ता था। आपको मालूम है बोलने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, पूरा गला खराब हो गया था लोकमान्य तिलक का, फेफड़े गल गए थे, टीबी हो गई उनको और 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया, भारत से भगा दिया, उनके ऊपर मुकदमेबाजी इतनी की कि उनको देश से निकल के जाना पड़ा। लेकिन भगवान ने फिर क्या किया, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल का जो लीडरशिप था ये टूट गया, उसी समय गांधी जी आ गए। और ये जो इनके कार्यकर्ता थे 1,24,00,000, गांधी जी ने इन्हीं कार्यकर्ताओं को अपने साथ लिया और उससे भी बड़ा स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ के क्या किया कि हम विदेशी कपड़े की तो होली जलाएंगे, खुद अपने हाथ से चरखा कात कर सूती खादी कपड़ा बनाएंगे और वही पहनेंगे। लाल बाल पाल के जमाने में स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी कपड़े की होली जलाना, गांधी जी के आने के बाद उद्देश्य हुआ विदेशी कपड़े की तो होली जलाना, अपना स्वदेशी कपड़ा खुद बनाना और खुद पहनना। तो गांव गांव गांधी जी ने चरखा चलवाया और लाखों कार्यकर्ता उसमें जुड़ गए चरखा चलाने में, खादी बनना शुरू हुई, तो लोगों ने अंग्रेजी कपड़ा छोड़कर खादी खरीदना शुरू किया और अंग्रेजों को फिर पैसा मिलना बंद हुआ। पहले अंग्रेज क्या करते थे, सारा कच्चा माल यहां से कॉटन ले जाते थे लंदन और फिर कपड़ा बनता था, फिर यहां आके बिकता था। जब खादी यहीं बनने लगी तो कॉटन लंदन जाना बंद हो गया, तो लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई। गांधी जी के आने के बाद ऐसा जबरदस्त पूरे देश में आंदोलन चला कि इंग्लैंड की कपड़ा मिलें बंद हो गई क्योंकि उनको कॉटन मिलना बंद हो गया, क्योंकि उस कॉटन से यहीं खादी बनने लगी। फिर गांधी जी के प्रभाव में कुछ लोग आए, एक बड़े नेता थे इस देश में, सॉरी नेता नहीं उद्योगपति, जमशेद जी टाटा, उनकी गांधी जी से मुलाकात हो गई, तो गांधी जी ने उनको समझाया कि आपके पास पैसा है, पूंजी है, एक जमाने में भारत लोहा बनाता था, सारी दुनिया को बेचता था, 3,000 साल हम एक्सपोर्ट करते थे, आप फिर लोहा बनाना शुरू करिए, क्योंकि उस समय लोहे का कच्चा माल लंदन जाता था, लोहा बन के आता था। तो गांधी जी ने कहा लोहा नहीं, यही बनना चाहिए। तो जमशेद जी टाटा ने 1911 में कारखाना खड़ा कर दिया फिर से इस देश में लोहा बनाने का। आपको मालूम है जमशेदपुर झारखंड में, ये उसी 1911 में खड़ा किया है, स्वदेशी आंदोलन की ताकत पर खड़ा हुआ ये पूरा जमशेदपुर। बंगाल के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे जो वैज्ञानिक थे और उद्योगपति थे, उनका नाम था वीसी राय, विधान चंद्र राय, वो गांधी जी से प्रभावित हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है बंगाल केमिकल्स। उस जमाने में केमिकल की सारी चीजें इंग्लैंड से आती थी, उन्होंने कहा इंग्लैंड से क्यों खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे। तो बंगाल केमिकल्स नाम की बहुत बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई, टाटा स्टील नाम की बड़ी स्वदेशी कंपनी खड़ी हुई, ऐसे धीरे धीरे सैकड़ों भारत की स्वदेशी कंपनियां खड़ी होती गईं। अंग्रेजों का माल बिकना धीरे धीरे बंद होता गया। बाद में कहानी आई 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, उसमें अंग्रेजों की और ज्यादा कमर टूटी। फिर 1942 में भारत छोड़ो हो गया, उसमें तो अंग्रेज पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि 1942 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें अंग्रेजों की बुरी तरह से मार कर रहा था हिटलर, तो हिटलर ने इतना पीटा अंग्रेजों को कि इनके सारे पैर उखड़ गए। फिर 1942 में अंग्रेजों ने तय कर लिया कि हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, अब यहां हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनका माल नहीं बिकेगा तो यहां रह के करेंगे क्या।
तो ये स्वदेशी आंदोलन की ताकत ने 1942 में अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और 1947 में अंग्रेज 15 अगस्त को भारत छोड़कर भाग गए। ये कहानी स्वदेशी आंदोलन की। तो इस कहानी को इतने विस्तार से मैंने क्यों सुनाया, ताकि आप इस कहानी को दूसरों को सुना सकें। हम जब लोगों से कहेंगे ना स्वदेशी की बात करेंगे, स्वदेशी का आग्रह करेंगे, तो लोग पूछेंगे भाई क्यों, तो उनसे कहो कि ये स्वदेशी आंदोलन हमारी आजादी का आधार है, हमारी स्वतंत्रता का आधार है, हमारे क्रांतिकारियों का बीज मंत्र है। इसी स्वदेशी की ताकत पर हमने देश की आजादी पाई है, इसलिए स्वदेशी का आग्रह हमारे जीवन में होगा। अब ये तो हो गई कहानी आजादी के पहले की, अब थोड़ी बाद की कहानी बताते। आजादी आ गई, देश में हमारी सरकार बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये बात आई कि भाई देश का विकास करना है तो क्या करें, देश का विकास करना है ना, अपने रास्ते पे अपने तरीके से चलाना है, स्वदेशी बनाना, स्वावलंबी बनाना है, तो क्या करें, तो देश में उद्योग धंधे होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं, बेकारी कम हो, गरीबी कम हो, तो उद्योग धंधे हो, अपना माल हम खुद बनाएं, दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, पूरा उत्पादन होना चाहिए, तो उद्योग धंधों के लिए पैसे चाहिए। खजाना देखा तो खाली था, पैसे थे ही नहीं, क्यों, अंग्रेजों ने लूट लिया सारा, और जो थोड़ा बच गया था पैसा वो पाकिस्तान के बंटवारे में देना पड़ा। आपको मालूम है 55 करोड़ रुपया थोड़ा बच गया था हमारे पास, वो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने ऐसा समझौता करवाया कि वो 55 करोड़ पाकिस्तान को देना पड़ा, तो अपने खजाने में कुछ था नहीं। अब सरकार के सामने समस्या क्या आई कि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है, पैसे है नहीं, तो क्या करें, तो कहीं से पैसे लाओ। तो वहां फिर एक दूसरी गलती हुई। दूसरी गलती क्या हुई कि अगर पैसे नहीं है और पैसे लाने हैं तो रास्ता यह अपनाना चाहिए कि पैसे अपने यहां पैदा करो, पूंजी का उत्पादन करो। पूंजी का उत्पादन कहां होता है, खेती से। आप जानते हैं पूंजी जो है ना, कैपिटल, वो खेत में से पैदा होती है, कारखाने में से नहीं। वो कैसे होती है, हम खेत में एक बीज डालते हैं गेहूं का, तो उसका बाल बनता है ना, पौधा बनता है, पक जाता है, फिर काटते हैं तो कितने गेहूं के दाने निकलते हैं, 60, 70, 80 इतने ही निकलते हैं ना। एक दाना डाला 60 पैदा हो गए, एक दाना डाला 70 हो गए, एक दाना डाला 80 हो गए। तो दाना तो हमने एक डाला और पैदा हो गए 80 दाने, तो जो 79 दाने ज्यादा हुए वो पूंजी बन गई हमारी। खर्चा किया एक दाने का, पैदा हो गए 80 दाने। कई कई जगह तो भारत में गेहूं के ऐसे बीज हैं जहां एक बीज डालो तो 125 गेहूं के दाने निकलते हैं बाल में। एक मैंने देखा मध्य प्रदेश में, एक बीज डालो तो 150 दाने निकलते हैं, एक बाल में 3 बाल निकलती है। तो पूंजी पैदा होती है धरती में से, धरती माता है जो खेती में इतना उत्पादन देती है उसमें से पूंजी पैदा होती है। तो क्या करना चाहिए था उस समय, जब भारत सरकार के सामने ये समस्या आई कि कारखाने लगाने, उद्योग करना, व्यापार करना, पैसे की जरूरत है, तो खेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए था, किसान पूंजी पैदा करके देते और उस पूंजी से हम देश का विकास करते। लेकिन हमारे नेताओं ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, खेतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पूंजी के लिए विदेशों से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। जिस हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था, उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा। आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि 1947 तक हम दुनिया में ऐसे देश थे जिसके ऊपर कर्जे का एक रुपया नहीं था, फिर 1952 में हमारी सरकार ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेना शुरू कर दिया तो कर्ज देने वालों ने अपनी शर्तें हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। आप किसी से भी कर्ज लेंगे तो फोकट में तो नहीं देगा वो। आप बैंक से कर्ज मांगने जाते हैं ना तो बैंक अपनी शर्त बताता है कि नहीं। ऐसे ही हमने विश्व बैंक से कर्ज मांगा, विश्व बैंक ने अपनी शर्त बताना शुरू किया। और उनकी शर्तें क्या थी, उनकी शर्तें ये थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे कर्ज लेगा उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। मतलब भारत कर्ज लेगा अगर डॉलर में तो डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए,
भारत कर्ज लेगा अगर स्टर्लिंग पाउंड में तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए, भारत अगर कर्ज लेगा फ्रेंच में फ्रैंक में फ्रांस की करेंसी फ्रैंक तो उसकी कीमत, तो जो भी विदेशी मुद्राओं में हमने कर्ज लेना शुरू किया उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया। 1952 में रुपए की कीमत गिरी, 1947 15 अगस्त को एक रुपया एक डॉलर के बराबर था, एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था, एक रुपया एक फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था, लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे, फिर 1982 के बाद हर साल 1983 1984 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया, ऐसे भी प्रधानमंत्री आए इस देश, उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ, कर्ज बढ़ता गया और 1991 से इस देश में एक नीति चल पड़ी जिसका नाम आप जानते हैं उदारीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं उसको लिबरलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण, फिर एक नीति है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, मैंने इस नीति का नाम बदल के रखा है उदारीकरण, कर्ज लेना उधार लेना कर्ज लेना उधार लेना कर्ज लेना उधार लेना। जितने प्रधानमंत्री आए सबने अंधाधुंध कर्ज लिया तो बढ़ते 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 अब कर्ज बहुत अधिक हो गया और इन सरकारों ने क्या किया, विदेशी कर्ज लिया, देश के अंदर से भी कर्ज लिया, दोनों तरफ से कर्ज ले लेके विकास करने की नींव डाल दी। सबसे खराब काम हुआ कर्ज लेकर विकास करना। हमारे भारत की परंपरा क्या है, जितनी लंबी चादर उतने लंबे पांव, यह भारत की परंपरा है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में ही काम चलाओ, कर्जा लेके मत आओ, ये भारत की परंपरा। लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ, तो कर्ज ले लेके देश के ऊपर इस समय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का तो विदेशी कर्ज हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर, और लगभग 18 लाख करोड़ का ही देशी कर्ज हो गया, माने इस समय देश 36 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। अगर आप हिसाब निकालेंगे तो एक एक हिंदुस्तानी 36,000 रुपए का कर्जदार है, ये स्थिति हो गई। अब इसमें परेशानी क्या आई कि हमने जहां विदेशों से कर्ज लिया, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, उन देशों ने हमारे ऊपर शर्तें लगाई। तो पहली शर्त तो मैंने बताई, रुपए की कीमत गिराओ और जिस मुद्रा में कर्ज ले रहे हो उसकी कीमत बढ़ाओ। तो डॉलर की कीमत बढ़ते बढ़ते कहां तक आई, एक डॉलर एक रुपया था 1947 में, अब हो गया है 50 रुपया एक डॉलर, माने रुपए की कीमत 50 गुनी कम हो गई। 1947 में एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड था, अब हो गया है 80 रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड। एक करेंसी आई है दुनिया में जिसका नाम है यूरो डॉलर, एक यूरो डॉलर 56 रुपया हो गया। हर एक दुनिया की करेंसी की तुलना में भारत के रुपए की कीमत गिर गई, हमारे ऊपर शर्त लगी तो हमने वो शर्त मानी। दूसरी शर्त हमारे ऊपर क्या आ गई कि जो जो देश से हम कर्ज लेंगे उन्हीं देशों की कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से कर्ज लेंगे तो अमेरिका की कंपनियां भारत में आएंगी व्यापार करेंगी, उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा।
अगर जापान से कर्ज लेंगे तो जापान की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। जर्मनी से कर्ज लेंगे तो वहां की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ने 24 देशों से कर्ज ले रखा है, तो 24 देशों की 5000 कंपनियां घुस गई हमारे देश में धंधा करने के लिए। अब दुख और तकलीफ की बात क्या है कि हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल की मेहनत करके मार के भगाया था, और उसको भगाने में लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी, करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी मां बहन बेटियों का बेइज्जती सहन करना पड़ा था एक कंपनी को भगाने में। लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फंस गया कि 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां फिर आ गई। अब इन कंपनियों के आने से फिर नुकसान हो रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो माल बेच के मुनाफा कमाती थी, ऐसे ये 5000 कंपनियां माल बेच के मुनाफा कमाती, और नुकसान दोहरा हो रहा है। हमारा एक नुकसान तो ये हो रहा, रुपए की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना, बहुत नुकसान होता है इससे देश को। आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है? 1947 में अगर हम एक रुपए का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको $1 मिलता था, अब 2009 में हमको 50 रुपए का माल बेचना पड़ता है तब $1 मिलता है। माने माल हमारा 50 गुना ज्यादा जाता है, डॉलर हमारे पास एक ही आता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है देश का। एक उदाहरण से समझाता हूं, ये आप सबको समझाइएगा, रुपए की कीमत जब गिरती है तो नुकसान क्या होता है। हम हिंदुस्तान से कच्चा लोहा बेचते हैं दूसरे देशों को, तो जब हम आजाद हुए ना, हमने कच्चा लोहा पहली बार जब बेचा दूसरे देशों को तो उसकी कीमत थी 7 रुपया किलो आयरन ओर। अब क्या हुआ, रुपए की कीमत गिरती गई गिरती गई गिरती गई, तो वही कच्चा लोहा अब हम दुनिया के देशों को बेचते हैं तो उसकी कीमत है 15 पैसा किलो। हमारा जो माल दुनिया में बिकता था ना 7 रुपए किलो, अब बिकता है 15 पैसा किलो। आप सोचो 1 किलो कच्चा लोहा बेचने पर 6 रुपए 85 पैसे का नुकसान होता है, और एक साल में कर्नाटक राज्य अकेला 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा बेचता है, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर महाराष्ट्र राज्य बेचता है, उसको नुकसान होता है, फिर झारखंड बेचता है, उसको नुकसान होता है, फिर उड़ीसा बेचता है, तो हिंदुस्तान को हर साल 60 से 70 हजार करोड़ का नुकसान तो कच्चा लोहा बेचने से हो रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। और एक उदाहरण से समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप बासमती चावल खाना चाहो अपने घर में तो क्या भाव मिलेगा? 50 रुपए किलो मिलेगा। जो चावल आप खाओगे 50 रुपए किलो, रुपए की कीमत कम होने से वो चावल दुनिया के देशों को बेचा जाएगा 1 रुपए किलो। जो चीज आपको मिलेगी 50 रुपए किलो, दूसरे देश उसको खरीदेंगे हमसे 1 रुपए किलो। ये है नुकसान। हिंदुस्तान में आम होता है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का आम है अल्फेंजो, सुना है? महाराष्ट्र वाले जानते होंगे। और एक है रत्नागिरी, एक है हापुस, एक है केसर, गुजरात में जो होता है काफी। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के आम हैं। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना हो तो कीमत सुन के कपकपी आ जाती है। 12 आम 500 रुपए का है, 500 रुपए डजन का। तो आप खरीदोगे तो आपको वो आम मिल रहा है 500 रुपए में 12, वही आम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है 40-50 रुपए में 12, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। आप बादाम काजू किशमिश मुनक्का खरीद के खाते हो ना 300-400 रुपए किलो, ये चीजें विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाती हैं 60-70 रुपए किलो। कारण, रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा। तो होता क्या है, हमारी हर चीज दूसरे देश में सस्ती बिकती है, और इसका उल्टा क्या होता है, दूसरे देशों से हम कुछ भी खरीदें तो वो महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। डीजल खरीदें, पेट्रोल खरीदें, केरोसिन खरीदें, एलपीजी खरीदें, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो जो बेच रहे हैं वो 50 गुना सस्ता है, जो खरीद रहे हैं वो 50 गुना महंगा है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो 100 गुने का नुकसान पूरे देश को हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, जिन जिन देशों से हमने कर्ज लिया
उन देशों की कंपनियां आ गई व्यापार करने के लिए। अमेरिका से कर्ज लिया तो अमेरिका की कंपनियां आ गई, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन आदि आदि कंपनियां आ गई। ब्रिटेन से कर्ज लिया तो वहां की आ गई, जर्मनी से लिया तो वहां की आ गई। इन देशों की कंपनियों ने ऐसा व्यापार फैलाया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों लूट के ले जा रहे हैं। कैसी लूट कर रही हैं ये कंपनियां, कुछ नाम लेके बताता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है कनाडा की, उसका नाम है बाटा, सुना है बाटा, जूता बेचती है। ये अमेरिका की, कनाडा की कंपनी है, भारत की नहीं। नाम लिखा हुआ है बाटा इंडिया लिमिटेड, तो आपको भ्रम हो जाएगा कि ये इंडिया की कंपनी है, नहीं, वो कनाडा की कंपनी जूते बेचती है। जूते कैसे बेचती है, वो जूते बनवाते हैं, बनाते नहीं है। बाटा की फैक्ट्रियां नहीं है इस देश में जूते बनाने की, फैक्ट्रियां तो हमारे अपने देश की हैं जूते बनाने की, आगरा में, कानपुर में, कलकत्ते में। देखिए, आगरा तो जूते की सबसे बड़ी मंडी है, कानपुर जूते चप्पल की सबसे बड़ी, तो जूते तो अपने ही लोग बनाते हैं। ये बाटा कंपनी उनसे खरीद लेती है 100 रुपए में, 150 रुपए में, और ये कंपनी क्या करती है, उस पर मोहर लगाती है 699 रुपए 95 पैसे, 799 रुपए 95 पैसे, 999 रुपए 95 पैसे। आप कभी खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा बड़े ईमानदार हैं, ये तो 95 पैसे लेते हैं, पूरा 1 रुपया भी नहीं ले रहे, और इतने बेईमान हैं, 100 रुपए का जूता उस पर मोहर लग गई 699 रुपए 95 पैसे, तो लूट कितनी हो गई। जूता तो 100 रुपए का है और बेच दिया उन्होंने 699 95 का, माने 700 रुपए में 600 रुपए लूट लिया एक जोड़े जूते पे। तो चप्पल बेचते हैं, जूते बेचते हैं, और यह कंपनी 70 लाख रुपए से इसने व्यापार शुरू किया था हिंदुस्तान में, मात्र 70 लाख रुपए से, और आज यह कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए लूट रही है इस देश में, करोड़ों। एक साल की बैलेंस शीट ही इनकी बताती है 280 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट की, ऐसे लूटते हैं। ऐसे ही हमारे देश में एक कंपनी है यूनिलीवर, इसने नाम बदल दिया, हिंदुस्तान लीवर रख लिया। यह बहुत बेईमान कंपनी है, जिस देश में जाती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। भारत में इसका नाम है हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान लीवर, इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशिया लीवर। यह मूलतः ब्रिटेन और हॉलैंड के व्यापारियों की कंपनी, भारत में घुस गई, धंधा शुरू किया, और इस कंपनी ने धंधा शुरू किया मात्र 24 लाख रुपए से, मात्र 24 लाख रुपए से, और आज यह कंपनी एक साल में 2000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही है, 2000 करोड़ एक साल, 24 लाख से धंधा शुरू किया। ऐसी एक अमेरिका की कंपनी है हमारे देश में, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, जानते हैं आप, टूथपेस्ट बेचती है। उसने हिंदुस्तान में 15 लाख रुपए से धंधा शुरू किया, मात्र 15 लाख से, और आज लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास वो लूट के ले जा रहे हैं। और ऐसे ही मैं बताता जाऊं तो 5000 कंपनियां हैं, 2-4 मैंने आपको बताया। बहुत जल्दी इस विषय पर एक पुस्तक छप रही है जो आपको मिलेगी, उसमें सारा डिटेल है। तो ऐसी ये सारी कंपनियां हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी पूंजी से धंधा शुरू करके हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक साल में हिंदुस्तान से ये सारी कंपनियां जो 5000 हैं, कोई जूता बेच रही है, कोई साबुन बेच रही है, कोई मंजन बेच रही है, जैसे कॉलगेट पामोलिव टूथपेस्ट और टूथ पाउडर बेचती है, बाटा जूता बेचती है, हिंदुस्तान लीवर, लक्स लाइफ बॉय, लिरिल रेक्सोना ये साबुन बेचती है नहाने का, कपड़ा धोने का, ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन है वो कुछ दवाएं बेचती है, पार्क डेविस है वो दवाएं बेचती है, तो दवाएं बेचने वाली, कॉस्मेटिक्स बेचने वाली, टॉयलेट्रीज के आइटम बेचने वाली 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, और एक साल में इस देश का 2,32,000 करोड़ रुपए लूटती है कुल मिला के, 2,32,000 करोड़। मुझे तकलीफ इस बात की है कि पहले अंग्रेज हमको लूटते थे तो डकैती करते थे,
घर में घुसते थे, मारामारी करते थे, बंदूक चलाते थे, तलवार चलाते थे और लूट के ले जाते थे। अब ये कंपनियां दूसरे तरह की डकैती करती, ये बंदूक नहीं चलाती, तलवार नहीं चलाती, ये आपका दिमाग खराब करके लूट के ले जाते और हम खुशी से लुटवाते हैं इनसे अपने आप। पहले मजबूरी में लुटते थे, अब मजे में लुट रहे हैं। कैसे? इन कंपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ ली है, हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है। वो पता है कमजोरी क्या है? अगर कोई हमको बार 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 झूठ बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, हम थोड़े दिन में उसको सच मानने लगते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी। ये विदेशी कंपनी वाले क्या करते हैं, टीवी पे विज्ञापन दिखाते हैं, सवेरे से शाम तक विज्ञापन दिखाते हैं, एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, पचास बार, सौ बार, दो सौ बार, हजार बार, बार 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 बार, और आप देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुपचाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोचे समझे। और विज्ञापन कैसे आता है? आप टीवी का चैनल खोलो तो सबसे पहले विज्ञापन देखना पड़ेगा। कोई भी चैनल खोल लो, आपको अगर समाचार देखना है आज तक खोल लो, स्टार न्यूज खोल लो, जी न्यूज खोल लो, कोई भी न्यूज खोल लो। होता क्या है, न्यूज आती है 2 मिनट, विज्ञापन आता है 3 मिनट। 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट विज्ञापन, 2 मिनट न्यूज, 3 मिनट। अब होता अंत में पता है क्या है, न्यूज तो भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है। क्योंकि न्यूज तो बदलती रहती है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे में तो भूल गए, विज्ञापन सबको याद हो गया, परमानेंट याद हो गया। मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूं जो रोज न्यूज देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा, तो कहते हैं याद नहीं। फिर उनसे पूछो विज्ञापन क्या देखा, तो वो याद है, ठंडा मतलब कोका कोला, तुरंत याद आ जाता है विज्ञापन, क्योंकि दिमाग में घुस गया बार 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 बार। तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, इनका विज्ञापन देख देख के माल खरीद लेते हैं। और विज्ञापन इस तरह से बनाते हैं जिसमें लोगों का विवेक शून्य हो जाता है। एक विज्ञापन है, विदेशी कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन बेचती है। क्या विज्ञापन आता है, लाइफ बॉय है जहां। अच्छा, अब आप सोचो कि लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, इसका माने तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आ रही है, तो रोटी पानी क्यों कर रहे हो भाई, खाना क्यों खा रहे हो, लाइफ बॉय लगाओ, रगड़ रगड़ के नहाओ, तंदुरुस्ती आती रहेगी। और आप बताओ तंदुरुस्ती का साबुन लाइफ बॉय हो सकता है? तंदुरुस्ती का आधार दूध हो सकता है, दही हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, गेहूं हो सकता है, लाइफ बॉय कब से हुआ? अब अकल की बात तो यही है ना, साबुन तंदुरुस्ती का आधार नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती लाइफ बॉय खरीदते हैं। एक जमाना था कि कोई लाइफ बॉय नहीं खरीदता था, आज इस कंपनी का 7 करोड़ लाइफ बॉय साल में बिक जाता है। और लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं इस उम्मीद में कि आज तंदुरुस्त हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, 20 दिन बाद हो जाएंगे। और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी, वो विज्ञापन में कहते हैं लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है, और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। सुना है ना ध्यान से, लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, तो मारता नहीं है, धोता है। इसका माने कीटाणुओं को धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। अब ये मूर्खता है कि नहीं? इस मूर्खता में सारा देश परेशान है। और सारा देश क्या परेशान है, लाइफ बॉय खरीद रहे हैं, पैसे हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। और कितने पैसे दे रहे हैं, लाइफ बॉय आता है 10 रुपए का, कभी कभी आता है 12 रुपए का। लाइफ बॉय दुनिया का सबसे घटिया साबुन है, आपको मालूम है? आप पूछोगे कैसे? दुनिया में 3 तरह के साबुन होते हैं। एक होते हैं बाथ सोप, बाथ सोप का माने नहाने का साबुन, स्नान करने का साबुन। एक होते हैं टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप माने हाथ धोने का साबुन, संडास घर में से निकले तो हाथ धोने का साबुन टॉयलेट सोप।
और एक होता है कार्बोलिक सोप। कार्बोलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन, लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप है। ये वो खुद कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये बाथ सोप नहीं है, टॉयलेट सोप नहीं है, ये कार्बोलिक सोप है। और यूरोप के देश में लाइफ बॉय से कुत्ते नहाते हैं, बिल्लियां नहाती हैं, गधे नहाते हैं, और उस लाइफ बॉय से हिंदुस्तान के 7 करोड़ लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसा दिमाग खराब हमारा हुआ ये विज्ञापन देख। और ये जो कार्बोलिक सोप है ना, ये बनता कैसे है इसको भी जान लो। बाथ सोप बनाते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर का बाथ सोप है, जैसे लक्स, जैसे लिरिल, जैसे रेक्सोना, इसी का एक साबुन है पियर्स, तो वो सब बाथ सोप है। उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबुन बनाते हैं, जैसे रिन, उसी का है, जैसे सर्फ, तो कपड़ा धोने का साबुन बनाया, नहाने का साबुन बनाया। उन दोनों को बनाने के बाद जो कचरा बच गया उससे कार्बोलिक सोप बनाया, लाइफ बॉय, और वो सबसे ज्यादा बिकता है इस देश में। जो सबसे घटिया साबुन है वो सबसे ज्यादा बिकता है। इसके घटिया होने का प्रमाण क्या है? साबुन में केमिकल जितना ज्यादा, साबुन उतना ही घटिया। और केमिकल उसमें जो सबसे खराब केमिकल है, जो आपकी त्वचा को खराब करता है, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं। आप लाइफ बॉय से नहाइए, नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना, तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींच जाएगी। कैसे खींची? लाइफ बॉय के केमिकल कचरे ने आपकी त्वचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया, तो त्वचा एकदम रूखी और सूखी हो गई। और जिनकी त्वचा रूखी और सूखी होती है और बार 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 आप उस पर साबुन रगड़ेंगे, तो एक दिन आपको एक्जिमा होने ही वाला है, सोराइसिस होने ही वाला है, चमड़े के रोग होने ही वाले हैं आप। तो लाइफ बॉय लगा लगा के त्वचा को रूखा बना रहे हैं, फिर चमड़े के रोग आ रहे हैं, चमड़े के रोग आ रहे हैं तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, फिर उनकी दवाएं खा रहे हैं, फिर उन दवाओं से शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहा है, फिर उसके लिए इलाज करा रहे हैं। क्या घन चक्कर में फंस गए हम। और मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट में से एक दिन हिसाब निकाला, एक लाइफ बॉय बनाने में इस कंपनी का मुश्किल से 2 रुपया खर्च होता है, और उसको ये 10-12 रुपए में बेच लेती है, मुनाफा इस कंपनी का सैकड़ों नहीं हजारों प्रतिशत में। ऐसे ये काम करते। इस कंपनी का एक साबुन है ना पियर्स, वो तो 25-30 रुपए का है, 6-6.25 रुपए में बनता है, 25-30 में ये कंपनी बेच लेती है उसको। इस कंपनी का एक वॉशिंग पाउडर है ना 19-20 रुपए किलो में बनता है, और उसको ये कंपनी 150 रुपए किलो तक बेच लेती है वॉशिंग पाउडर को। ऐसे लूट रही है ये कंपनी। और हर साल मैंने बताया ना 2000 करोड़ रुपए जा रहे हैं आपके मेरे खून पसीने की कमाई के। तो क्या करना चाहिए? तो वही करना चाहिए जो कभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वही करना चाहिए जो लाला लाजपत राय ने किया था, वही करना चाहिए जो विपिन चंद्र पाल ने किया था। इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि इन कंपनियों की लूट को अगर बंद करना है तो एक ही हथियार अपने पास है, बहिष्कार करो और इनका बनाया हुआ माल खरीदना बंद करो। करेंगे ना? तो आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सेनानी, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सहयोगी, कोई भी समर्थक हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एक भी सामान नहीं खरीदेगा, यही हमारा संकल्प है। अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा हिंदुस्तान लीवर का कौन कौन सा सामान है? वो अपनी पुस्तक है ना जीवन दर्शन, उसमें पीछे पूरी सूची छपी है। लक्स, हाँ आपके पास है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, केमे, पामोलिव, डव, ये सब विदेशी साबुन है, खरीदना नहीं है इनको, पूरा बहिष्कार करना। अब आप बोलेंगे फिर करना क्या है? देशी साबुन खरीदो, देशी साबुन सब जगह मिलते हैं।
अपने पतंजलि योगपीठ का भी बनता है अब तो देशी साबुन, वो आपको मिल जाएगा स्वदेशी साबुन। आपके गांव गांव शहर शहर में बहुत सारे स्वदेशी साबुन हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। सूची में सबका नाम दिया है, निर्मा है, नीमा है, मैसूर संदल है, चंद्रिका है, मेडिमिक्स है, कुटीर है, बहुत सारे स्वदेशी साबुन है। अपना पतंजलि योगपीठ का साबुन है, कांति नाम है उसका, तेजस नाम है उसका, तो अपने हैं और अपने गांव में भी हैं, तो सारे स्वदेशी साबुन उपलब्ध हैं, आप उनको खरीदो। और मेरी बात मानो तो और एक कदम आगे बढ़ो, बिना साबुन के ही नहाओ, साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे कैसे नहाएं, जब स्नान करते हो ना तो शरीर को खूब अच्छे से रगड़ लो, मैल सब निकल जाता, पानी से नहा लो। और एक तरीका है, तौलिया होती है ना, तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो, पानी से नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन चने का आटा, उसमें दूध मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी आती है, गांव गांव मिलती है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दो, सवेरे तक नरम हो जाएगी, रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। नहीं तो दूध से नहा लो। अच्छा ये बताओ, हम जब किसी बड़े बुजुर्ग के पांव छूते हैं तो वो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ, तो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? कभी किसी ने ये कहा दूधो नहाओ या लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, लक्ष लगाओ पुत्रियां फलो, नहीं कहा ना? सब बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध से नहाओ, बुजुर्गों की इतनी तो मानो। तो आप बोलोगे जी दूध बड़ा महंगा है, साबुन से सस्ता है। साबुन आता है 100 ग्राम ₹15 का, तो 1 किलो कितने का हुआ, 150 रुपए का। 1 किलो दूध आता है 20 रुपए का, साबुन से सस्ता है। और नहाने में दूध जो है ना, एक चम्मच खर्च होता है। हाँ, एक बार के नहाने में एक ही चम्मच दूध लगता है। मैं तरीका बताता हूं आपको, कल नहा लेना या घर जाके नहा लेना, 1-2 चम्मच दूध लेना, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध लेना, उसको शरीर में लगाना, जैसे तेल लगाते हैं ना, तेल लगा के हल्की हल्की मालिश करना। तो दूध की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे ही लगाओगे तो सारे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है। आपको मालूम है, बड़े बड़े, सुनो, बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स है ना 5 स्टार, वहां पे लोग जाते हैं मिल्क क्लींजिंग कराने के लिए। मिल्क क्लींजिंग समझते हैं, दूध से चेहरे की सफाई करवाना। अगर वो दूध से चेहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूध से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर इतना है कि 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लींजिंग ₹500 में होती है, मैं फोकट में बता रहा हूं आपको। नहा के देखो दूध से, थोड़ा 2 चम्मच दूध ले लो, मैं बहुत बार नहाता हूं, 2 चम्मच दूध ले लो, लगा लो तेल की तरह से, तो सारा मैल गंदगी निकल जाएगा। फिर पानी से डाल दो तो सारा मैल और गंदगी आपकी आंखों से जाता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो, गंदगी निकालने के लिए स्नान किया जाता है, और गंदगी निकालने की सबसे ज्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी एक चीज में है तो वो दूध है। इसलिए हमारे देश में दूध से नहाया जाता है और दूध से नहलाया जाता है, तो आप भी नहाओ। अब इसका फायदा क्या होगा, साबुन विदेशी नहीं बिकेंगे, और या नहाना है तो देशी साबुन से नहाओ, तो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा। मैंने हिसाब निकाला था कि सब लोग साबुन लगाना बंद करें और उतने रुपए से दूध खरीद के नहाना शुरू करें तो करोड़ों किसानों को फायदा होने लगेगा, दूध की बिक्री बढ़ जाएगी। अब दूध की बिक्री बढ़ेगी तो दूध की मांग बढ़ेगी, दूध की मांग बढ़ेगी तो ज्यादा गाय पालनी पड़ेगी, ज्यादा भैंस रखनी पड़ेगी, ज्यादा गाय भैंस पालेंगे तो पशुधन बढ़ेगा, पशुधन बढ़ेगा तो उनका गोबर ज्यादा मिलेगा, गोबर ज्यादा मिलेगा तो खाद ज्यादा बनेगी, खाद ज्यादा बनेगी तो खेतों में पड़ेगी, और खेतों में पड़ेगी तो सोना उपजेगा। तो बात समझ में आई, आप नहाओ दूध से, घर वालों को नहलाओ दूध से। अब तक तो दूध पीने की बात थी, अब दूध से नहाना है, और नहीं तो साबुन ही लगाना है, तो मैंने आपसे कहा देशी साबुन उपयोग करो। हमें हिंदुस्तान लीवर का
2000 करोड़ रुपए का सालाना का जो बाजार है मुनाफे का, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता सैनिक गांव गांव जाकर जब ये कहानी सुना देंगे तो कोई आदमी लाइफ बॉय लक्स लिरिल नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान लीवर का पूरा मुनाफा शून्य हो जाएगा और यह कंपनी बोरिया बिस्तर उठा के अपने आप भाग जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी बात है कि हिंदुस्तान लीवर जैसी ही एक बहुत खराब विदेशी कंपनी है जिसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, यह अमेरिका की है, यह टूथपेस्ट बेच रही है, कॉलगेट का टूथपेस्ट इसी का है। अब ये टूथपेस्ट बिकता है 27-30 रुपए का 100 ग्राम, अब 30 रुपए का 100 ग्राम तो समझ लो 300 रुपए किलो, हिसाब जोड़ो 300 रुपए किलो, और 300 रुपए तो काजू बादाम बिकता है इस देश में, उनका टूथपेस्ट 300 रुपए किलो बिकता है, बादाम का क्या भाव है? अरे वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी है महाराज, कम क्वालिटी का ले लो तो 300 रुपए किलो मारा मारा फिर रहा है, तो बादाम मिलता है 300 रुपए किलो और यहां टूथपेस्ट मिल रहा है 300 रुपए किलो, और पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट दांतों में रगड़ के थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, 300 रुपए किलो की चीज थूक रहे हैं, 150-200 रुपए किलो का देशी घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट थूक रहे हैं वॉश बेसिन में और कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं उनसे कहता हूं और स्मार्ट बनो भाई, तू कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों हो भाई, रोटी पे लगा लगा के खा लो इसको क्योंकि घी से महंगा। आप ये मूर्खता मत करना, ये 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में क्यों लगाना, बंद करो इसको, खत्म करो, कॉलगेट क्लोज अप पेप्सोडेंट सिबाका फॉरन, हजारों करोड़ रुपए देश का नुकसान है। तो आप बोलोगे फिर दांत कैसे साफ करें, दांत साफ करने के लिए स्वदेशी टूथपेस्ट है कि नहीं, अपना दंत कांति है पतंजलि योगपीठ का, तो और नहीं तो दंत मंजन है, दिव्य दंत मंजन है, और नहीं तो और स्थानीय दंत मंजन है, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, ये दंत मंजन वो, बीसियों तरह के दंत मंजन गांव गांव में है, और उससे भी अच्छी नीम की दातून है, टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है, है क्या? जिस गांव में है वहीं तोड़ के कर लो, बबूल की कर लो, कीकर की कर लो, आम की दातुन होती है, पाकड़ की दातुन होती है, अमरूद की दातुन होती है, 12 तरह के वृक्षों से दातुन होती है, तो दातुन कर लो, दंत मंजन कर लो, अपना दंत कांति कर लो, ये विदेशी पेस्ट कॉलगेट क्लोज अप सब बंद, हजारों करोड़ रुपए बचाना है देश का, उससे दांत अच्छे भी रहेंगे स्वस्थ भी रहें। आपको मालूम है दांत साफ करने के पीछे दो उद्देश्य है, एक तो दांतों में जो अन्न कण फंसे ना ये निकल जाएं, दूसरा मसूड़ों की मालिश हो, मसूड़ों की मालिश होती है तो मसूड़ों में खून का प्रवाह तेज होता है, और खून का प्रवाह तेज होगा तो मसूड़े मजबूत होंगे, और मसूड़े मजबूत हों तभी दांत मजबूत हो सकते हैं, अन्यथा दांत मजबूत होने का रास्ता नहीं है। तो मसूड़े मजबूत करने का तो एक ही तरीका है, उंगली से दांत घिसो, तो दंत मंजन करो, तो दंत मंजन से दांत तो साफ होंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, 2-in-1 है, एक काम करो दो का फायदा। तो अपना तो दिव्य दंत मंजन सबसे ही अच्छा है, उसका उपयोग करो, और दिव्य दंत मंजन आप खरीद रहे हो तो पैसा भारत स्वाभिमान या पतंजलि योगपीठ में ही आएगा और वो पूरे देश के संपूर्ण स्वदेशी अभियान में लग जाएगा। आप कॉलगेट क्लोजअप खरीद रहे हो तो पैसा विदेश जाएगा और किसी विदेशी कंपनी को अमीर बनाएगा। तो साबुन नहाने का, कपड़ा धोने का स्वदेशी, और कपड़ा धोने का साबुन मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जब देशी कपड़ा धोने का साबुन खरीदो ना तो वो साबुन खरीदना जिससे कपड़ा धोने में कम से कम पानी खर्च होता है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद कीमती है। आपको मालूम है अभी हम डिटर्जेंट पाउडर ले आते हैं, वॉशिंग पाउडर ले आते हैं, इसमें कपड़े को धोते ही जाओ धोते ही जाओ, झाग निकलना बंद ही नहीं होता कभी। और आपको मालूम है झाग निकला हुआ पानी जब हम नाली में डाल देते हैं, नाली से ये पानी कहीं खेतों में पहुंच जाता है, पूरी मिट्टी को खराब करता है, क्योंकि इसमें इतने केमिकल हैं जो मिट्टी को खत्म कर देते हैं।
इसलिए कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर ज्यादा इस्तेमाल मत करना। कौन सा साबुन इस्तेमाल करना? वो बट्टे वाला साबुन आता है ना, पीला पीला सफेद सफेद ऑयल केक, दिल्ली में खूब बनता है, मेरठ में खूब बनता है, जगह जगह बनता है, वो इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे कम से कम पानी में कपड़े धोए जा सकते हैं। और उस वो ऑयल केक में फायदा पता है क्या है? उसमें तेल है। अब तेल वाला पानी जब आप फेंकोगे तो ये पानी खेत में जाएगा, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि तेल सरसों में से निकला है या नारियल में से निकला है या सोयाबीन में से निकला, आया तो मिट्टी से ही है ना, तो बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए कपड़ा धोने के साबुन को इस्तेमाल करना बट्टे वाला, डिटर्जेंट पाउडर डिटर्जेंट के कप। और इसी तरह से आप और अपने घर में थोड़ा परिवर्तन लाना, विदेशी जो क्रीम पाउडर लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, कॉस्मेटिक्स है, ये सब निकालो बाहर। फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मिक, इमामी, पॉन्ड्स, ये सब हटाओ, सब विदेशी, बहुत महंगी है, लूट हो रही है इसमें। फेयर एंड लवली का भाव मालूम है? 25 ग्राम है 40 रुपए, 50 ग्राम 80 रुपए, 100 ग्राम 160 रुपए, 1 किलो 1600 रुपए। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ मुंह पे, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ। अकल लगाओ ना अपनी। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ जिससे कुछ नहीं होने वाला, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ, क्योंकि ये फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ आज तक। अगर हो जाता तो अफ्रीका वाले क्यों काले हैं? मैंने लगा के देखा था एक भैंस को 4 साल, फेयर एंड लवली, अभी भी काली की काली ही है। दुनिया में कोई आदमी फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ नहीं, और होने की दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि जो आदमी काला और गोरा होता है ना, उसका सिद्धांत ही अलग है। हमारे खून में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलानिन। जब मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर काला पड़ जाता है, जब मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर गोरा हो जाता है, और जब मेलानिन की मात्रा ना बढ़ती है ना घटती है, सामान्य रहती है, तो शरीर सांवला होता है। हम सब हिंदुस्तानी सांवले हैं, क्योंकि मेलानिन ना ज्यादा है ना कम है, और आदर्श स्थिति यही होती है। और ज्यादा गोरा होने के चक्कर में मत फंसो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, सुना? जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार लंदन गए तो अंग्रेज पत्रकारों ने उनको चिढ़ाने के लिए एक सवाल पूछ लिया। सवाल क्या पूछा? डॉक्टर राधाकृष्णन से पूछा गया लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप हिंदुस्तानी लोग काले क्यों होते हैं? राधाकृष्णन जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, वो आप सबको देना। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तानी काले नहीं होते, कुछ और होते हैं। तो उसने कहा क्या होते हैं? तो उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भगवान ने रोटी बनाई, भगवान जी ने रोटी बनाई तो रोटी कच्ची रह गई, वो खाके तुम सब अंग्रेज पैदा हो गए। भगवान जी ने फिर एक रोटी बनाई और वो जल गई, उसको खाके ये सब अफ्रीकी पैदा हो गए। और फिर भगवान जी ने एक तीसरी रोटी बनाई जो ना कच्ची रही ना जली, बराबर सिकी, उसको खाकर हम हिंदुस्तानी पैदा हुए। तो हम काले नहीं है, सांवले हैं। और मैं आपको बताऊं, विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है आज कि सांवले रंग की त्वचा को कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। कारण क्या है? खून में मेलानिन की मात्रा सबसे परफेक्ट हमारी ही है, इसलिए अपने सांवले होने पे गर्व करो, इसको हीन भावना से मत देखो। और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी सांवले, भगवान राम सांवले, श्री कृष्ण सांवले, तो हम गोरे होके करेंगे क्या? हम तो सांवले ही अच्छे हैं। और जब ये बात मन में बैठ जाए कि सांवले अच्छे हैं, तो फेयर एंड लवली की जरूरत क्या फिर? क्योंकि वो तो गोरा बनाने वाली क्रीम है, हटाओ उसको 1600 रुपए किलो की फालतू में। तो ये फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मिक, इमामी, पॉन्ड्स, ये सब हटाओ घर में से। फिर आप बोलोगे जी कौन सी क्रीम लाए? कोई मत लाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। लगाना ही है तो देसी गाय का घी चुपड़ लिया करो, सबसे अच्छा। हाँ, उससे अच्छी कोई चीज नहीं। और नहीं तो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं।
आप भी इस बात का ध्यान रखो कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा उसके शरीर के रंग से नहीं होती, उसके काम से होती है, उसके गुण से होती है, उसके स्वभाव से होती है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व नापा जाता है गुण कर्म स्वभाव से, वो इस बात से नहीं नापा जाता हाय कितना गोरा है, कोई नहीं कहता। अब कोई मर जाता है हमारे देश में तो उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कितना दयालु था, कितना देशभक्त था, कितना काम करता था समाज का। कभी ये सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था मर गया बेचारा, कोई नहीं कहता। त्वचा का रंग याद नहीं करते, गुण कर्म स्वभाव याद किए जाते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव अपने अच्छे बनाओ, ये फेयर एंड लवली वगैरह की जरूरत नहीं। और माताओं बहनों को जरूर समझाओ ये बात, उनके दिमाग में ये बात लाओ। मुझे इतना दुख है ये बात कहते हुए कि जब ये विज्ञापन आता है ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक दिन समय आने पर भारत स्वाभिमान की तरफ से इस विज्ञापन के खिलाफ मुकदमा करना है सुप्रीम कोर्ट में। क्या मुकदमा करना है, जब बार बार वो टीवी पे दिखाते हैं ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक हफ्ते में गोरापन आएगा, 15 दिन में आएगा, 21 दिन में आएगा, आप ट्यूबलाइट की तरह से जलने लगेंगे, इतने गोरे हो जाएंगे। जब ये विज्ञापन बार बार आता है ना तो करोड़ों इस देश की काली मां बहन बेटियों के छाती पर आरी चलती है, ये आप महसूस करने की कोशिश करो। हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं 115 करोड़ का है, 50 करोड़ माताएं बहने हैं इस देश में, और उस 50 करोड़ माताओं बहनों में लगभग 40 से 45 करोड़ सांवली हैं या काली हैं। उनके दिलों पे कटार चलती है, आरी चलती है जब वो ये विज्ञापन देखती हैं कि हाय रे हाय गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली। और उन माताओं बहनों को क्या लगता है कि गोरे होने से ही फिर जिंदगी संवरती है। और मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ है, मैंने पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग काट के रखी है, कई बहन बेटियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई कालेपन के कारण, सांवलेपन के कारण, तो फांसी लगा के मर गई। हमारे हिंदुस्तान में मां बहन बेटियों के व्यक्तित्व को रंग से नहीं नापा गया कभी भी, हमने उनके गुण कर्म स्वभाव से नापा है। लेकिन ये विज्ञापन जो आता है रोज फेयर एंड लवली गोरेपन का, ये करोड़ों माताओं की छाती पे आरी चलाता है, उनके दिल को चोट पहुंचाता है। उनकी तरफ से हमें मुकदमा करना है एक बार, और इस कंपनी को कटघरे में खड़ा करना है कि तुम सिद्ध करो तुम्हारी क्रीम में ऐसा क्या है जो किसी को गोरा बना सकता है, कुछ नहीं। इसलिए दिमाग से निकाल दो ये सारी बकवास बात है। तो सारे घर को देखो, सफाई करो, सब कचरा निकालो घर में से, कॉलगेट का क्या है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन का क्या, सूची आपको दी गई है, उसको ढूंढ ढूंढ के देख देख के सामान खरीद के लाओ। मेरा तो आप सबको निवेदन है कि अपने जीवन दर्शन में से ये सूची को फोटोकॉपी करा लो और एनलार्ज कर लो, बड़ा कर दो, और अपने के रसोई घर में चिपका दो जाके, क्योंकि रसोई घर है जहां बार बार नजर जाती है हमारी, हमारी माँ बहन हमारी बेटी बार बार रसोई घर में काम करती है, उनको ध्यान में आएगा ये स्वदेशी ये विदेशी, ये स्वदेशी ये विदेशी, ये स्वदेशी। अगर ये दिमाग में आने लगा, ध्यान में आने लगा, तो फिर बाजार से खरीदना भी इन चीजों का शुरू होगा। फिर परिणाम क्या होंगे, सारे हिंदुस्तान से स्वदेशी माल खरीदने की मांग खड़ी हो जाए, सारी विदेशी कंपनियों का माल बिकना एकदम से पूरे देश में खत्म हो जाए, तो फिर से वो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो जाए जो 1905 में हुआ था। और 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगाया, 2009 के स्वदेशी आंदोलन से ये 5000 विदेशी कंपनियां भागेंगी यहां से। अब ये कंपनियां भागेंगी तो परिणाम क्या होगा, साल का 2,32,000 करोड़ रुपए बचत होगी। वो 2,32,000 करोड़ रुपए से हम कितने कारखाने लगा सकते हैं आप सोचो। एक छोटी फैक्ट्री लगाएं जिसमें 10 आदमी को रोजगार मिले तो 1 करोड़ रुपए में बन जाती है। 2,32,000 करोड़ रुपए में हर साल 2,32,000 छोटी फैक्ट्रियां बन सकती हैं जिसमें 10-10 आदमी को काम मिले तो 20 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं एक साल में उतने ही पैसे से। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर ये पैसा बचता है
विदेशी माल बहिष्कार करके, स्वदेशी माल उपयोग करके, तो इस बचे हुए पैसे को अगर हम देश के विकास के लिए उपयोग करें तो कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े किसी देश से। आपको मैं एक देश का बहुत बड़ा दर्द बताना चाहता हूं, जितना पैसा हर साल इस देश का विदेश में जाता है विदेशी कंपनियों की लूट से, लगभग उतना ही पैसा हर साल हमको कर्जे में लेना पड़ता है दूसरे देशों से। 2.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का हर साल कर्ज लेना पड़ता है। अगर हम ये बचा लें तो कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अगर हम कर्ज लेना बंद करते हैं तो हमारा रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। आज $1 में 50 रुपया है, फिर ₹1 में $1 हो सकता है, ₹1 में $1 स्टर्लिंग पाउंड हो सकता है, ₹1 में $1 ड्यूश मार्क हो सकता है। अब जरा थोड़ा आगे लेके चलता हूं कि मान लो रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर यह होगा कि जो चीज आज हम बेचकर $1 कमा रहे हैं, फिर उतनी ही चीज बेचकर $50 कमाएंगे। सोचो आप, अभी हम $1 की वस्तु बेचते हैं और $1 में 50 रुपया है, फिर $1 1 रुपए के बराबर हो जाए अगर हम कर्ज लेना बंद कर दें, क्योंकि रुपए में कर्ज लेना आप बंद कर देंगे डॉलर का डिवेल्युएशन शुरू हो जाएगा। आप डॉलर में कर्ज ले रहे हैं ना, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, जिस चीज की मांग बढ़ती है कीमत उसी की बढ़ती है, और जिस चीज की मांग घटती है कीमत उसकी घटती है। तो डॉलर में कर्ज लेते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है, कर्ज लेना बंद कर दें डॉलर की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, रुपए की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। रुपए की कीमत बढ़ते ही $1 का जो माल हम बेचेंगे उससे $50 हमको कमाई मिलेगी। माने आज हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं $200 अरब, ये एक्सपोर्ट 200 × 50 अरब डॉलर हो जाएगा सीधे सीधे। अभी हम ले रहे हैं $200 अरब, फिर हो जाएगा $10,000 अरब। इतने डॉलर्स इस देश में आएंगे कि रख नहीं पाएंगे हम। इस स्वदेशी आंदोलन से कितना बड़ा परिवर्तन होगा देश में, आप सोचो। एक तो विदेशी कंपनी का माल बिकना बंद हुआ वो, दूसरा देश के रुपए में बढ़ोतरी आएगी, डॉलर में कमी आएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, आयात का खर्चा कम निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस हो जाएगा। और सरप्लस हो गया अगर इस हिंदुस्तान में तो दुनिया का कोई देश हमको रोक नहीं पाएगा, हम अमेरिका के भी आगे जाएंगे और यूरोप के भी आगे जाएंगे। एक छोटी सी बात और कहके मैं खत्म करूंगा। आप में से जो कार्यकर्ता भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है। उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है? अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, DAP कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये भी हमको बचाना है। तो क्या करना है? किसानों को समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें? तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है? तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी ₹70 में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है ₹250 में, ₹350 में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो ₹500 में यूरिया। और हर साल कीमत बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है, इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है। और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है, एक बार आपने खेत में एक कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार दो कट्टा डालना पड़ेगा, दो बोरे डालना पड़ेगा, और एक बार दो बोरे पड़ गया तो अगली बार तीन बोरे डालना पड़ेगा, एक बार तीन पड़ गया तो फिर चार डालना पड़ेगा, हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है, गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में तीन पानी लगता है, यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो पांच छह बार पानी लगाना पड़ता है, पानी का खर्चा बढ़ जाता है। और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पड़ता है, जमीन से ज्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे 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 होता चला जाता है। पहले पानी 25-30 फुट पे मिलता था, अब पानी 900 फुट तक नहीं मिलता खेतों में। तो किसानों को समझाइए कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है, एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है, दूसरा हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है, और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है, और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है। एक जमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल, अब 35 रुपए लीटर, दो चार दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है, फिर हो सकता है साल डेढ़ साल में 100 रुपए लीटर हो जाए, किसान कहां जाएगा, मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते। और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी, कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी, आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है अपने अपने बच्चों के लिए, वो पूतना की स्थिति में है। आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में है, माताओं के दूध में वो सब केमिकल हैं जो कीटनाशक दवाओं में है, क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं, और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं, जो आप में डायबिटीज दे रहे हैं, जो आप में हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन दे रहे हैं, 148 किस्म की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है। इसलिए किसानों को समझाओ कि ये यूरिया डीएपी का जहर एक तो विदेशी है, ये बंद करो, दूसरा ये शरीर को नुकसान देता है इसलिए बंद करो, तीसरा ये पैसे का नुकसान करता है इसलिए बंद करो। तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें, तो उनसे कहो गोबर का खाद डालो। अब किसान क्या पूछेगा आपको, सबसे पहले वो कहेगा गोबर के खाद से तो उत्पादन नहीं होता, तो उससे कहो गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, यूरिया डीएपी से जितना नहीं होता उससे तो ज्यादा गोबर के खाद से होता है। मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक में, आप आइए वहां देखिए हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डीएपी बंद करके गोबर का खाद डालना शुरू किया है, और जिस किसान के यूरिया डीएपी के खेत में एक एकड़ में 20 से 25 मीट्रिक टन गन्ना होता था, आज उस किसान के खेत में गोबर का खाद डालने से 90 से 100 मीट्रिक टन गन्ना हो रहा है, कम नहीं होता है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से एक एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं होता था, आज उनके खेत में गोबर का खाद डालने से 20 से 22 क्विंटल गेहूं हो रहा है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से एक एकड़ में 2.5 क्विंटल कपास होती थी, आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाद डालने से 7 क्विंटल एकड़ का कपास हो रही है। ऐसे एक नहीं हजारों किसान है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, थोड़ा अगर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत किसान है। 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच जा जाके उनको ये सब सिखाया, गोबर की खाद से उत्पादन ज्यादा मिलता है यूरिया डीएपी की तुलना, क्यों मिलता है वो जानना चाहिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है, जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते। गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है,
गोबर जो है ना कई तरह के जीव जंतुओं का भोजन है, यूरिया जो है वो भोजन नहीं जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केंचुआ कहते हैं। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना, दो चार दाने ही यूरिया डालोगे वो तड़पना शुरू हो जाएगा और एक मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाल के। और केंचुए क्या करते हैं, केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए का काम क्या है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना। पूरे दिन में वो तीन चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। अब केंचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। केंचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केंचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है। माने वॉटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केंचुआ करता है और यूरिया के कारण ये मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केंचुआ मर जाएगा, केंचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ये केंचुआ ही करता और कोई नहीं कर सकता। केंचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने इसका हिसाब निकाला था, एक केंचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक केंचुआ साल भर में। और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है। माने एक केंचुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है। ऐसे करोड़ों केंचुए हैं, पता सोचो कितने हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं इस देश के। इसलिए गोबर का खाद डालने से फायदा क्या होता है, रासायनिक खाद डालो केंचुआ मर जाता है, गोबर का खाद डालो केंचुआ जिंदा हो जाता है, क्योंकि गोबर केंचुए का भोजन है। केंचुए को भोजन मिले तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता। भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, केंचुआ नहीं मानता उस बात को। एक एक केंचुआ 50-50 हजार बच्चे पैदा करके मरता है, 50-50 हजार। एक जाति का केंचुआ तो मैंने देखा 1 लाख पैदा करता है बच्चे तब मरता है। तो वो एक जिंदा है, उसने 1 लाख पैदा कर दिए, अब वो एक एक लाख पैदा करेंगे, करोड़ों केंचुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया। और केंचुए ज्यादा होंगे तो मिट्टी फिर उलट पलट होने लगेगी, मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे, तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा। और पानी मिट्टी में गया तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा, तो बाढ़ नहीं आएगी, तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा, इस देश का करोड़ों करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। इसलिए आप किसानों को समझाओ गोबर की खाद डालो। फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या, उनसे कहना गारंटी मेरी, गारंटी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की। थोड़े दिन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाद डालो, गारंटी हमारी, 1 ग्राम भी उत्पादन कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा, डालने का तरीका है। डालने का तरीका क्या है, अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं, गोबर डालते हैं वो घूरा है, घूरा गांव में कचरा डालने का, वहां गोबर इकट्ठा करते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर वो सूखता रहता है और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती है, फिर वो सूखा हुआ गोबर हम डालते हैं, इससे उत्पादन ज्यादा नहीं आता। गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए, ताजा डालना चाहिए। गोबर को अगर पानी में घोल के डालो ना तो वही 3 गुना ज्यादा फायदा करता है। तो किसानों को यह समझाओ कि गोबर को सुखा के खेत में ना डालें, उसको पानी में घोल के डालें। तो कैसे घोलेंगे पानी में, उसका फॉर्मूला लिख लो आप। और जो जो गांव में जाने वाले कार्यकर्ता है ये सब किसानों को आप बोलो
कितना गोबर डालना है, कितना पानी उसमें मिलाना है, कितने बीघे के लिए काम में लाना है उसको। अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं, एक एकड़ माने ढाई बीघा, पांच बीघा नहीं, ढाई बीघा। तो एकड़ ढाई बीघे का हिसाब जोड़कर बताता हूं, एक किसान को एक बार में एक एकड़ फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा, गीला करके डालेंगे तो 10 किलो गोबर, बस 10 किलो गोबर, 10 किलो गोबर, फिर से सुन लो, 10 किलो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 100 किलो नहीं, 10 किलो गोबर एक एकड़ के लिए डालना। कैसे लिख लो 10 किलो गोबर, फिर इसमें चाहिए 10 लीटर मूत्र, जिस जानवर का गोबर उसी का मूत्र, गाय का गोबर तो गाय का मूत्र, भैंस का गोबर तो भैंस का मूत्र, बैल का गोबर तो बैल का मूत्र। अब आप बोलोगे गोबर तो इकट्ठा कर लेंगे, मूत्र कैसे इकट्ठा करें? जानवर जो मूत्र देते हैं ना, जहां पे आप जानवरों को रखते हो वहां पे पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढाल लगा दो, जितना भी वो पेशाब करेंगे वो नाली में आ जाएगा, नाली के आगे खड्डा खोद दो, वो सारा उसमें जमा हो जाएगा, फिर वो ले लो। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जानवरों के मूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, खराब ही नहीं होता, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। तो इकट्ठा होता रहेगा खड्डे में, डालते रहो। तो 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, ठीक है, फिर इसमें मिलाना है लगभग 1 किलो गुड़, आधे से 1 किलो गुड़, गुड़, गुड़ तो आप सब जानते हो, एक तो गुड़ होता है जिसको आप खा लेते हो, एक तो गुड़ ऐसा होता है जिसको जानवर खा लेते हैं, और एक गुड़ ऐसा होता है जिसको कोई नहीं खा सकता, गीला गीला, पुराना पुराना, काला काला, वो गुड़ खेत के बहुत काम का है। जो सबसे घटिया गुड़ है, जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आपका, वो खेत के लिए बहुत काम का है। तो वो गुड़ ले लो आधे से एक किलो, गोबर हो गया, मूत्र हो गया, गुड़ हो गया। अब इसमें लगभग 1 किलो डालना है दाल का आटा, दाल है ना, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सोयाबीन की दाल, खेसरी, खेसारी की दाल, कोई भी दाल, 1 किलो उसका आटा। चार चीजें हो गई, गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, और इसमें डालनी है एक मुट्ठी मिट्टी। एक मुट्ठी में आधा किलो या पौन किलो तक मिट्टी आती है। मिट्टी कहां से लानी है? आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है, बरगद का कोई पेड़ है, तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी, पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगद के पेड़ के नीचे की। पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना? आपको मालूम है पीपल और बरगद के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत होती है। तो पीपल और बरगद के पेड़ के मिट्टी में जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं, यही जीवाणु खेत को चाहिए। तो मिट्टी ले ली, पांच चीजें हो गई, गोबर 10 किलो, मूत्र 10 लीटर, गुड़ लगभग 1 किलो, दाल का आटा 1 किलो, और मिट्टी लगभग 1 किलो। ये पांचों चीजों मिला दो, घोल दो, हाथ से घोल लेना, खराब नहीं होंगे हाथ, नहीं तो डंडे से घोल देना, एक ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक के ड्रम में घोल लेना, नहीं तो लोहे के ड्रम में घोल लेना, प्लास्टिक का होगा तो अच्छा, लोहे वाला क्षरण ज्यादा होता है। अब इसको घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन रख देना, घोलने में तकलीफ आए तो थोड़ा पानी मिला देना, ज्यादा मत मिलाना, थोड़ा ही मिलाना, घोल के 15 दिन रख देना, 15 दिन के बाद यह खाद तैयार हो जाएगा। इस खाद में क्या होगा? करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाएंगे। वो जो मिट्टी डाली ना, मिट्टी के जीवाणु अगर 1 लाख हैं, तो 15 दिन में वो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। ढक के रख लो तो अच्छा है, छांव में रखना सबसे अच्छा, धूप में बिल्कुल मत रखना, पेड़ के नीचे की छांव में रखना, नहीं तो कोई ऐसी जगह रखना जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो, और इस पे कपड़ा बांध दो, ढक्कन लगा दो, जैसे है ढक लो। अब ये 15 दिन में तैयार हो गया, इसमें करोड़ों जीवाणु तैयार हो गए। अब ये जीवाणु घोल, इसको जीवाणु घोल कहते हैं, इसको खेत में डालना है। डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है, और पानी कितना मिलाना है? जितना गोबर था उसका 10 गुना पानी,
दस गुना कम से कम, 100 लीटर पानी, 10 किलो गोबर तो 100 लीटर पानी, और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर, तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया, अब ये पूरा परफेक्ट घोल हो गया। इसको एक एकड़ के खेत में छिड़कना है, जैसे पानी छिड़कते हैं ना मिट्टी दबाने के लिए, ऐसे ही छिड़कना है। बस आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोड़ों जीवाणु मिट्टी में पहुंच जाएंगे, तो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवाणु करते हैं। आपको मालूम है जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु सारा काम करते हैं। पौधे की जड़ को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, पौधे की जड़ को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं, पौधे की जड़ को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु, माने पौधे को बड़ा होने के लिए जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए और फिर वो हमारे शरीर में वास्तव में चाहिए, वो सब इन जीवाणुओं की करामात से ही मिलता है। तो पौधे की जड़ को भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने लगेंगे, पौधे की बढ़त बहुत तेज होगी, और जिस पौधे की बढ़त अच्छी होगी उसका फल अच्छा होगा, जिसका फल अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा। अब इसमें समय लिख लो, कितनी बार डालना, कब डालना। सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें ना, जोतें, बीज डालने से पहले खेत जुताई होती है ना, खेत जुताई करते ही एक दिन डाल दो, आज जुताई किया कल डाल दो, जुताई करके डाल दो, यह पहली बार, ठीक है। फिर इसके डालने के 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद बुआई कर दो। है कितना डाल सकते हैं बताए ना, एक एकड़ में जितना तैयार हुआ 200 लीटर वो, तो आपने इसको जोत के 1-2 दिन में डाल दिया, फिर बीज बो दो, बीज बोने के 21वें दिन में फिर डाल देना, आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना। क्या होता है ना, बीज में से अंकुरण होता है और अंकुरण होने के 21वें दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है, फिर 21 दिन के बाद वो सूर्य की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य ताप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़त तेज हो जाती है। तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर 21वें दिन पर डाल देना, आज डाला 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, तो एक फसल अगर आप समझ लो 4 महीने की है तो लगभग 5 बार डालना पड़ेगा, कोई फसल 6 महीने की है तो 7-8 बार डालना पड़ेगा, 8 महीने की है तो 10-11 बार डालना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा क्या है, जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का, मूत्र फोकट का, गुड़ मैं कह रहा हूं सबसे सड़ा हुआ जिसको फेंक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा, पानी तो फोकट का है ही, थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा, लेकिन किसान अगर दाल पैदा करता है तो वो भी घर की हो जाएगी, माने खाद बनाने का खर्चा लगभग शून्य आएगा, मेहनत लगेगी, पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा। और ये खाद जो तैयार होगी इसमें जबरदस्त क्वालिटी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर, आयरन भरपूर, फॉस्फोरस भरपूर, क्या क्या इसमें है, गोबर है, गोबर में कैल्शियम है, आयरन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो चाहिए मिट्टी को। फिर गुड़ है, गुड़ में जबरदस्त फास्फोरस है, गुड़ में जबरदस्त कैल्शियम है, फिर मूत्र में ये सब है, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमें चाहिए वही मिट्टी को चाहिए, वो सब इस खाद में भरपूर है, यूरिया में नहीं है, डीएपी में नहीं है, यूरिया में कैल्शियम नहीं है, डीएपी में कैल्शियम नहीं है, और कैल्शियम सबसे प्रमुख आधार है मिट्टी के लिए, क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा, पौधे में होगा तो फल में होगा, फल में होगा तो भोजन में होगा, भोजन में होगा तो शरीर में होगा, शरीर में होगा तो हड्डियां मजबूत, हड्डियां मजबूत तो शरीर मजबूत, ये सारा साइकिल इसी कैल्शियम के उस पे है, तो ये तो गोबर की खाद से ही मिलेगा, यूरिया डीएपी से मिलने ही वाला नहीं है। तो किसान को ये समझाइए आप, अब आपको समझ में आ गया, हर 21 दिन में डालना है, जबरदस्त फसल आएगी। पहली बार जब आप डालोगे ना तो किसान थोड़ा झिझक करेगा, उसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको कहना कि भाई तुम डालो, नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है, खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाद डालते हैं ना
तो गेहूं का उत्पादन पहले साल की तुलना में थोड़ा ही कम आता है, लेकिन उत्पादन जितना कम आता है उससे ज्यादा खर्चा बच जाता है, तो वो बराबर मामला बैठता है। हम यूरिया डीएपी में खर्चा करते हैं हजारों रुपए का, तब उत्पादन लेते हैं, यहां खर्चा ही नहीं है, थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं, इसलिए किसी किसान का नुकसान नहीं। और दो तीन साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है, लगातार बढ़ता है, और 10-12 साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है, 100% की बढ़ोतरी हो जाती है। नहीं नहीं, छानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डालो, उसमें जितना कचरा है सब खेत में जाने दो, क्योंकि कचरे में जीवाणुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, छानने की जरूरत नहीं है। अब आप डालोगे कैसे, ये प्रश्न है, तो उसके लिए चार विधि है। पहली विधि ये है कि सीधे डब्बा लो और छिड़काव करो, खेत पे भरो और छिड़क दो, भरो और छिड़क दो। अब कहोगे जी खेत बहुत बड़ा है, ये तो नहीं चल सकता, तो दूसरा तरीका बताता हूं, खेत में पानी लगाते हैं ना, पानी में डाल दो, नाली में से पानी जा रहा है ना, एक टंकी में भर के ये खाद रख दो, उसमें नल लगा दो, टोटी खोल दो, टपक टपक पानी में गिरता रहेगा, खेत में चला जाएगा, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी के घर में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो गोबर ज्यादा होगा उसके पास, तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ, बचे हुए गोबर का क्या करेंगे, तो बचा हुआ गोबर अगर सूखा है तो उसको इसी में डाल देना 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला के, तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा, गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। और एक तरीका है, खेत में से मिट्टी खोद लो, मिट्टी खोद लो, मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो, मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी के लड्डू बना लो, लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा। तो पानी के साथ दे सकते हैं, छिड़क के डाल सकते हैं, गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं। और एक आखिरी तरीका है, स्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नोजल निकाल दो, नोजल निकाल दो, फिर उससे स्प्रे कर दो। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा, ये जमीन पे होगा, मिट्टी पे होगा। फसल पे डालने से फायदा नहीं मिलेगा, मिट्टी में डालना है इसको। तो अगर फसल ऊंची है तब कैसे डालेंगे, तब तो पानी लगाओगे तभी डालना सबसे अच्छा है। इसमें एक तरीका यह है कि खेत का मुहाना होता है ना, जहां से पानी घुसता है, वहां एक आदमी को बिठा दो डब्बा लेके, पटक पटकता रहेगा, उसमें पानी के साथ जाता रहेगा, और पानी के साथ पूरे खेत में बराबर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है। और एक तरीका है इसको डालने का, अगर आपके घर में गोबर का वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडा उपला जो भी कहते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद राख निकलती है ना, वो राख इकट्ठी कर लो और ये घोल और राख मिला दो और फिर लड्डू बन जाएंगे, फिर खेत में छिड़क दो, तो इसका तो जबरदस्त उत्पादन आता है, क्योंकि जो राख है ना इसमें कई केमिकल अतिरिक्त हैं जो गोबर और गोमूत्र से भी ज्यादा है। तो ये तरीका समझ में आ गया, हर 21 दिन पे डालेंगे, 4 महीने की फसल है तो 5-6 बार डालना पड़ेगा, 6 महीने हैं तो 7-8 बार, इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी। गोबर किसी भी जानवर का, गाय का हो, भैंस का हो, बैल का हो, बकरी बकरे का हो, गधे घोड़े का हो, हाथी ऊंट का हो, कोई भी हो, सब चलेगा। मूत्र भी किसी जानवर का, ठीक है, और आधा आधा मिले तो वो भी चलेगा, गाय का आधा ले लिया, भैंस का आधा, किसी के पास गाय नहीं हो, किसी के पास भैंस नहीं हो, एक एक गाय एक एक भैंस और खेत बड़ा है, तो आधा आधा सब मिक्सिंग करके चलेगा। बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा, जर्सी का फायदा पूरा नहीं करेगा, और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा। जर्सी गाय है उसका गोबर है, उसमें देशी गाय का 1-2 किलो गोबर मिला लेना, वो वैसे ही काम करता है जैसे 100 किलो दूध में 1 चम्मच दही डालो तो पूरा दूध दही हो जाता है, वैसे ही 100 किलो जर्सी गाय के गोबर में 1 किलो देशी का डाल दो तो देशी गाय के जीवाणु अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते हैं। और धीरे धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाय बेचते जाना, देशी लेते जाना, क्योंकि ये जर्सी गाय के दूध में दम नहीं है। आपको मालूम नहीं है, दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता, डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है, डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते, क्यों नहीं पीते,
कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से। घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है मैड काउ डिसीज, उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है, इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता। डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फिकवा देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, डेनमार्क में दूध बहुत है, चाय बिना दूध की पीते हैं सबके सब, क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है। तो जर्सी गाय बेच के देसी लेते जाना, भैंस हो तो उसका तो चल जाएगा, बैल का चल जाए। अब एक आखिरी चीज और बता दूं, उसको आप लिख लो, ये तो हुआ खाद। अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया, तो कीड़ा लग सकता है ना, तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो। कीड़ा अगर लगता है, कीट लगता है, तो उसकी दवा भी हम खुद बना के छिड़क सकते हैं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी? 20 लीटर जानवरों का पेशाब ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, 20 लीटर, ठीक है, ये एक एकड़ के लिए बता रहा हूं। फिर इसमें 2.5-3 किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना, नीम के पत्ते की चटनी, नीम का पत्ता है, पीस के चटनी बना के डाल देना 2.5-3 किलो। और आंकड़ा देखा है, आंकड़ा, आंकड़ा के पेड़ के पत्ते की भी चटनी डाल देना 2.5-3 किलो। आंकड़ा, आंक कहते हैं, आंक, कुछ लोग अकौआ कहते हैं उसको, आंक, आंकड़ा, अकौआ, हां वही जो हनुमान जी पे चढ़ाते हैं जिसमें सफेद सफेद दूध निकलता है। और एक तीसरा पत्ता है, सुनो सुनो भाई, एक तीसरा पत्ता है बेशरम। बेशरम जो है ना, अक्सर गांव में घुसते हैं ना तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहता है पान के जैसा पत्ता, बैगनी रंग का फूल आता है, उसमें ना खुशबू होती है ना कुछ होता है, बिना पानी के बिना बीज के होता है, इसलिए बेशरम कहते हैं। तो 2-2.5 किलो ले लो। और एक पत्ता है आपके गांव में अगर मिले तो, सीताफल का पत्ता, शरीफा जिसको कहते हैं, सीताफल, शरीफा, उसका पत्ता 2-2.5 किलो ले लो। और अगर गांव में मिल जाए ना तो वो घास आती है ना, कांग्रेस घास, उसको चटनी बना के डाल दो 2-2.5 किलो। और इसमें थोड़ा सा खूब तीखी लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो तो वो पीस के डाल दो 250-300 ग्राम, लहसुन पीस के डाल दो 1/2 किलो के करीब, गाजर घास, वही वही। और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं, वो याद रखो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती, फिर से सुनो, जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती और आपके गांव में उपलब्ध है, वो सब पत्ते पीस के डाल दो इसमें, गाय को खिला के देख लो, खा रही है तो नहीं डालना, नहीं खा रही है तो पीस के डाल देना है, मोटी बात याद रखो। तो 3-4 तरह के पत्ते डाल दिए, थोड़ा लहसुन डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दी, 20 लीटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है, गर्म करना, उबाल के ठंडा कर लो, ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो, अब ये दवा तैयार हो गई, कीटनाशक, इसको स्प्रे कर दो किसी भी फसल पे, तो 48 घंटे माने 2-3 दिन में सारे कीट खत्म कर देता है, एक पैसे का खर्चा नहीं होता, बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता। ये हर फसल में काम आता है, गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, मटर में, गन्ने में, हर तरह की फसल में ये उपयोग हो सकता है। तो कीटनाशक दवा बनाने का आपको मालूम, खाद बनाने का आपको मालूम, अब यूरिया, डीएपी और एंडोसल्फान गांव गांव से हमें बंद कराना है, 4,80,000 करोड़ रुपए किसानों का बचाना है, 2,32,000 करोड़ रुपए शहर वालों का बचाना है, ये दोनों मिला दें तो करीब 7-8 लाख करोड़ रुपए देश का हम बचा सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की ताकत से। और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है करीब 7 लाख करोड़ का, अगर पक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं तो इंपोर्टेड चीजें भी बंद हो सकती हैं, 14 लाख करोड़ का फायदा, माने इतना बड़ा फायदा हम पूरे देश को दे सकते हैं अपने स्वदेशी आंदोलन और अभियान से। इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभियान को गांव गांव जाके चलाना है, और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक ने जैसा परिश्रम किया,
महात्मा गांधी ने जैसा परिश्रम किया, विपिन चंद्र पाल ने जैसा परिश्रम किया और क्रांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया, वैसा ही परिश्रम आपको करना है। ताकि क्या होगा, जैसे आज हम लोकमान्य तिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी आजादी के लिए, वैसे ही आपका नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए। ऐसा कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं।